बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुश आमदेद नए नाजमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में लाइव कवरेज पेश की जा रही है स्पोर्ट्स टीम पे। मैच का आगाज होने वाला है, बॉलर आए गेंद की और डीप मिड विकेट की तरफ शॉट खेला है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने बाउंड्री लाइन के ऊपर से थोड़ा सीधा आया बॉलिंग एंड पे बॉलर के पास। इस तरह आगाज हो चुका है दो रन से। कराची मास्टर लीग का ये एक और मैच जो नया नाजमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मेडिकम मेडिकम वर्सेस कराची स्टॉलियंस के दरमियान ये मैच शुरू हो चुका है। कराची स्टूडेंट्स का बोला है टीम के साथ और खेलने की कोशिश की बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद विकेट कीपर के हाथ में आई। यकीनी तौर पर ये खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज। मेडिकल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। एक और बड़ा मैच कराची मास्टर लीग का ये मैच कराची स्टॉलियंस और मेडिकेन के दरमियान आए गेंद की। इस मरतबा शॉर्ट बॉल था, गेंद को खेल दिया है डीप स्कोर लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद, एक रन का और इजाफा होगा। इस मेडिकम पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतने के बाद। बॉलर तेजी के साथ आ रहा है गेंद की। शॉर्ट बॉल था, खेलने की कोशिश की लेकिन पूरे तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई और करीब में बॉलर ने खुद गेंद को फील्ड कर लिया। बॉलर अपने बॉलिंग के निशान के बाद जायजा ले रहे हैं फील्डिंग का। स्लिप गली थर्ड मैन पॉइंट कवर और मिड ऑफ, यह ऑफ साइड की फील्डिंग। बॉलर आए गेंद की, क्रीज से बाहर निकले बहुत ही जबरदस्त शॉट। खड़े खड़े देखते रह गए फील्डर इस तरह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चार रन के इजाफे से स्कोर आगे बड़ा है पहले ओवर के खात्मे पर। हमारे नाज़रीन को बता दीजिए जिन्होंने अभी अभी अपनी वेबसाइट ऑन की है, कराची मास्टर लीग का ये एक और मैच नया नाजमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो चुका है मेडिकेन वर्सेस कराची स्टॉलियंस के दरमियान। सात रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर के खात्मे पर। बॉलर अपने बॉलिंग के निशान के फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं। बॉलर अपनी बॉलिंग के निशान के ऊपर खड़े होकर फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं।
बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन फेस करेंगे बॉलर्स को। आए गेंद की और खेलने की कोशिश की, बल्ले का किनारा लगाया निचला, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब गई, थ्रो हुआ, इससे पहले एक रन मुकम्मल कर लिया था बैट्समैन ने। इस तरह स्कोर पहुंचा 8 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल जारी है। दूसरे ओवर की फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं गेंदबाज और उन्होंने थोड़ी तब्दीली की है, शॉर्ट मिड विकेट वाले फील्डर को कवर पोजीशन में ले लिया है और थर्ड मैन को स्लिप में लेकर आ गए। बॉलर गेंदबाजी के लिए तेजी के साथ जा रहे, उनके सामने बल्लेबाज है। आए गेंद के दिफा अंदाज इख्तियार किया, तेजी के साथ दौड़ लगा दी है, इस तरह रन मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही अच्छा दौड़ने का मुजाहरा बिटवीन द रनिंग। कराची मास्टर लीग का ये मैच एक मरतबा फिर आए गेंद की और बहुत जोरदार अपील हुई है बॉलर और फील्डरों की तरफ से, मगर अंपायर अपनी जगह खामोश खड़े रहे, कोई नुकसान नहीं हुआ बल्लेबाजों का। मेडिकेम वैसे कराची स्टॉलियंस गेंदबाजी कर रही है और बॉलर गेंद बड़ी शानदार बॉल, बैट्समैन के इरादों को भापते हुए बड़ा स्लो बॉल कर दिया गेंद विकेट कीपर के पास गया। दूसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। नदीम जावेद अपनी बॉलिंग के निशान के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे, गेंद के बहुत जबरदस्त सीधा दिया में शॉट खेलाइए, वहां फिल्टर मौजूद, एक रन बनेगा। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल ऊपर खड़े हुए फील्डर के पास थ्रो गया सीधा बॉलर के पास, इस तरह यकीनी तौर पर 3 रन रोके, बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई है फील्डर की तरफ से। बहुत ही बड़ा कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। एक झुरमट खड़ा कर दिया ऑफ साइड पे बॉलर ने, नदीम जावेद आए गेंद की और पैर पे बॉल लगा, बड़ी जोरदार अपील लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया। लेग बाय का एक और रन आ चुका है। इस तरह 2 ओवर के खाते पर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। जोर फेस करेंगे, आए गेंद की और बहुत ही शानदार बॉल, यकीनी तौर पर बहुत डेंजर बॉल था ये, बचने की कोशिश की लेकिन गेंद ने पीछा किया बल्लेबाज का। अब जोहेब फेस करेंगे
खुज़ैमा आए गेंद की, बहुत अच्छा शॉट था लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग, यकीनी तौर पर टाई मार के गेंद को रोक लिया है लेकिन बल्लेबाजों का इरादा, ये दूसरा रन मिस अंडरस्टैंडिंग जिसके नतीजे में दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। बहुत ही बढ़िया दिलकश दौड़ने का मुजाहरा बैट्समैनों की तरफ से, क्या बात है, रन लेने का मौका जाया नहीं किया, थोड़ी सी जीत के नतीजे में एक और रन मिल गया, स्कोर पहुंचा 14 रन बगैर किसी नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल जारी है, खुज़ैमा अपनी बॉलिंग के निशान के ऊपर तेजी के साथ आ रहे हैं, उनके सामने बैट्समैन है और बहुत ही शानदार बॉल, लॉन्ग बॉल हुआ ये, ऐसी गेंदबाजी की जरूरत नहीं जिसमें कमजोर हाथों से नो बॉल कर दे, फ्री हिट मिलेगी बल्लेबाज को। जोर फेस कर रहे हैं खुज़ैमा को, तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, खुज़ैमा तेजी के साथ आ रहे हैं, बॉल खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, इस मर्तबा भी नो बॉल, ये दूसरा नो बॉल है, बॉलिंग की गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा गेंदबाज को। अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है, इफ्तिताही लम्हात है, सोच समझ के बॉलिंग करनी पड़ेगी खुज़ैमा को, वरना यकीनी तौर पर नुकसान हो सकता है, खराब बॉलिंग का अच्छा फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। खुज़ैमा बॉलिंग निशान, तेज बॉलर है, तेजी के साथ नो दो नो बॉल कर चुके हैं, खुज़ैमा आई गेंद की और सीधा शॉट, तमाचा झड़ दिया है और किसी फील्डर के लिए मौका नहीं गेंद को रोकने का, चार बहुत ही बढ़िया गोल सीधी दिशा में, 16 रन पे पहुंच चुका है स्कोर, ओहो क्या जबरदस्त शॉट, जैसे हमारे दर्शकों को उम्मीद थी वैसा ही शॉट खेला है बैट्समैन ने। खुज़ैमा आए गेंद की जोर को और डिफेंडर फायर किया और इस मर्तबा भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत थ्रो कर दिया जिसके नतीजे में एक रन और मिल गया है बैट्समैन टीम को। मेडिकेम का स्कोर 2.4 ओवर में अब तक 21 रन बगैर किसी नुकसान के, बहुत ही शानदार मुकाबला जारी है मेडिकेम और कराची स्टॉलेंस के दरमियान। खुज़ैमा आए गेंद की और इस बड़ा क्या लेफ्ट क्लिक किया, गेंद प्लग झपकते ही बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत ही बढ़िया शॉट, देखा वहां फील्डर मौजूद नहीं और गैप शॉट खेला 4 रन के लिए, एक और चौका, तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन बगैर किसी नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल जारी है, बहुत ही खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है तीसरे ओवर में खुज़ैमा की तरफ से, खुज़ैमा अपनाने बैट्समैन और बहुत ही शानदार बॉलिंग, बहुत करीबी मामला हो सकता था मगर सेफ साइड पे विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर थे आशीर्वाद, बड़ी शानदार गेंद को इन्होंने अपने हाथों में लिया, रिप्ले दे सकते हमारे नाजरीन, खुज़ैमा का बॉल करीब से गुजरा बल्ले के बहुत ही करीब से, जैसे मैंने बताया करीबी मामला हो सकता था मगर खुशकिस्मत रहे बल्कि भाग्यशाली रहे बल्लेबाज।
वेबसाइट themorphinschools.com. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गर्म पीते हैं, चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, पर बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं। भाई वैसे तो मजबूत, बस अंदर से कमजोर। संभाल जबरदस्त शॉट, देखने के काबिल, बढ़िया शॉट 6 रन के लिए। और ये शॉट था ज़ुलैफ़ खान का, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त शॉट, ऐसा फ्लिक देखने को नहीं मिलता। बड़े तजुर्बेकार बैट्समैन है अफनान। बहुत ही जबरदस्त शॉट था ज़ुलैफ़ का। नदीम जावेद ज़ुलैफ़ फेस करेंगे एक मतलब फिर नदीम जावेद को। नदीम जावेद आए गेंद की और इस मरतबा खेलने की कोशिश, बहुत ही जोरदार अपील बॉलर और फील्डर की तरफ से, लेकिन अंपायर का जवाब नफी में आया। और काफी देर के बाद अंपायर ने आउट करार दे दिया है ज़ुलैफ़ को। काफी सोच विचार के बाद फैसला है ये। बीट हुए थे गेंद विकेट कीपर के पास गई नदीम जावेद का बॉल। नदीम जावेद ने अपील की, काफी देर खामोश खड़े हुए बॉलर और जोरदार अपील देख रहे हैं और सरा आउट करार दे दिया है ज़ुलैफ़ को। पहला विकेट 31 रन पे गिर चुका है मेडिगेम का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी क्योंकि इब्तदाई लम्हात है, कहा काफी सोच विचार के बाद आउट दिया। इस तरह ज़ुलैफ़ की सूरत में विकेट मिली है कराची स्टैलियंस को। मास्टर लीग का एक और बड़ा मैच, दोनों जबरदस्त टीम है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी नदीम जावेद की तरफ से। बैट्समैन का एटीट्यूड देखा, क्रीज से बाहर निकले और इस तरह काफी देर के बाद डिसीजन आया अंपायर का और ज़ुलैफ़ आउट। उमर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नदीम जावेद फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं। थर्ड बैंड बाउंड्री पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर शॉर्ट मिड ऑफ और डीप मिड ऑफ, ये है ऑफसाइड की फील्डिंग। लेग साइड की फील्डिंग हम बताते चले। उमर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नदीम जावेद आए गेंद की और दिफाई ने गिरफ्तार किया बैट्समैन ने। रन लेने का मौका नहीं। हम ऑन साइड की फील्डिंग आपको बताते चले कि शॉर्ट फाइन लेग डीप मिड विकेट बाउंड्री और शॉर्ट मिड ऑफ, ये ऑन साइड की फील्डिंग है। यानी 6 फील्डर ऑफ साइड पे और 4 फील्डर ऑन साइड पे। नदीम जावेद उमर को आए गेंद की और बड़ा जबरदस्त शॉट, डीप फाइन लेग की तरफ शॉट खेला ये और यकीनी तौर पर 4 रन मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त शॉट था ये। अब्दुल्ला है नए बल्लेबाज क्योंकि हमारे स्कोरर काफी दूर बैठे हैं और हम काफी ऊंचाई पे है इसलिए थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। नदीम जावेद इस ओवर में इन्हें विकेट भी मिला है नदीम जावेद को। नदीम जावेद तेजी के साथ जा रहे हैं, आए गेंद की और अब्दुल्ला ने दिफाई अंदाज इफ्तार किया। अच्छी गेंद थी ये। रन लेने का मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। बहुत ही शानदार आगाज फराहम करके गए ज़ुलैफ़।
नदीम जावेद फील्डिंग का चादर लेने के बाद एक मतलब फिर उल्टे हाथ के बैट्समैन है नदीम जावेद आए गेंद की और इस मतलब दीपेंद्र जी इख्तियार तेजी के साथ दौड़ पड़े हैं। बहुत ही शानदार दौड़ने का मंजर, बड़ा दिलकश मंजर। एक रन का और इजाफा हुआ, इस तरह चार ओवर के खाते पर स्कोर है मेडिकेम का 36 रन एक खिलाड़ी आउट। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, लेकिन एक नुकसान भी उठाया है मेडिकेम ने जोहेब की सूरत में। The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. Assalamualaikum. Assalamualaikum. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गरम पीते हैं, चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं। एक मरतबा फिर फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं अपनी फर्स्ट अंदर खड़े हुए, अब दौड़ना शुरू कर दिया उनके सामने बैट्समैन है। बाकी प्रॉब्लम का तो पता नहीं, आए गेंद की और इस पर तेजी के साथ रन मुकम्मल कर लिया। बहुत ही अच्छा दौड़ है, बहुत ही शानदार दौड़ने का मुजहरा देखने को मिल रहा है हमारे दर्शकों को। बहुत ही शानदार मैच, अब अफनान फेस करेंगे जो कि टीम के कप्तान है मेडिकेम के। खुज़ैमा एक बार तो तेजी के साथ आ रहे, पांचवें ओवर का गेंदबाजी आए गेंद, ओ बड़ा जबरदस्त ऊंचा शॉट के लिए फील्डर थे सर्कल के अंदर, उसका पूरा फायदा उठाया। इस तरह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरा, बड़ा जबरदस्त शॉट था ये। 6 रन का इजाफा और स्कोर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे चलता हुआ, कोई भी मौका जाया नहीं। बहुत ही जबरदस्त शॉट था ये, हमारे नाज़रीन देख सकते हैं रिप्ले में। खुज़ैमा को 100 समझकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छे बैट्समैन, ठीक है, जिम्मेदार भी है, टीम के कप्तान भी है मेडिकेम के अफनान, अच्छे बैट्समैन है। आए बोलो गेंद की और ये देखना पड़ेगा, पॉइंट पे गेंद गई और एक और नो बॉल का इशारा आया, फील्ड मिली है अफनान को। अब तक खुज़ैमा ने अपनी लाइन लेंथ को कंट्रोल नहीं किया, पांचवी ओवर का खेल जा रही है, 44 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है, 2 ओवर में 3 नो बॉल कर चुके हैं, ये फ्री हिट है। खुज़ैमा रहे, फायदा उठाना पड़ेगा और जबरदस्त फायदा उठा लिया है। गेंद पॉइंट और कवर की तरफ से जाती है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है थर्ड मैन बाउंड्री के फील्डर ने, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 2 रन मुकम्मल कर लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये, 3 फील्डर गेंद को पकड़ने की कोशिश, आखिरकार थर्ड मैन बाउंड्री पे खड़े हुए फील्डर ने गेंद को थ्रो करके बहुत ही शानदार फील्डिंग, 2 रन का इजाफा होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46, पांचवें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। खुज़ैमा अफनान को गेंद करेंगे और इस मरतबा डीप स्कोर ले बाउंड्री के ऊपर शॉट, बहुत ही बढ़िया थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर विकेट कीपर के पास, आशीर्वाद है विकेट कीपर। बेहतर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, पांचवें ओवर का खेल है, 4 ओवर मुकम्मल हो चुके, 2 गेंदे बाकी है इस ओवर की। देखते हैं अब्दुल्ला और अफनान बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए, जितनी थी तारीफ की जाए कम है दोनों बैट्समैन की। खुज़ैमा गेंद की और खेलने की कोशिश, करीब में गेंद गई, पहली अच्छी बॉल देखने को मिली है खुज़ैमा की तरफ से।
हुज़ैमा का ये दूसरा ओवर है। 31 रन दे चुके हैं और अब तो इन्हें कामयाबी नहीं मिली। काफी महंगे साबित हुए, 10 रन के हिसाब से रन दिए इन्होंने आए गेंद की और इस मरतबा तेजी के साथ एक मतलब अब्दुल्ला ने रन मुकम्मल कर लिया। रन लेने का कोई भी मौका जाया नहीं करे, बड़ी एथलेट की तरह वो दौड़ते हैं। मेडिकम का स्कोर 47 रन, खिलाड़ी आउट। आउट होने वाले बल्लेबाज है जोहेब, जो अच्छी बैटिंग करने के बाद नदीम जावेद के गेम पे आउट हो चुके हैं। कप्तान फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, गली, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त गेंद, बीट हुए अफनान। इस तरह ओवर मुकम्मल हो चुका है। It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गर्म पीते हैं, चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, पर बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं। भाई वैसे तो मजबूत, बस अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं। नदीम जावेद कंटिन्यू करेंगे और उनके सामने बैट्समैन अब्दुल्ला और इस मरतबा मिटोन की तरफ शॉट खेल दिया, लेकिन रन जरूर आएगा। बड़े समझदार बल्लेबाज लगते हैं, एथलेटों की तरह दौड़ते हैं अब्दुल्ला। जब से आए रन लेने का मौका जाया नहीं किया। अब तक वाहिद कामयाबी मिली है नदीम जावेद को। डीप मिड विकेट बाउंड्री, डीप मिड ऑन बाउंड्री और इस पर दिफा अंदाजे खेला, करीब में फील्डर मौजूद, कवर पोजीशन पे रन लेने का मौका नहीं था। शॉर्ट फाइन लेग, डीप मिड विकेट बाउंड्री, डीप मिड ऑन बाउंड्री और शॉर्ट मिड ऑन, ये ऑन साइड, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की बिल्डिंग। नदीम जावेद आए गेंद की, क्रीज से बाहर निकले अफनान, शॉर्ट खेलने में कामयाब हुए, वहां फील्डर मौजूद, एक रन का इजाफा होगा। एक रन के इजाफे से 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। मिड गेम के एक खिलाड़ी के नुकसान पर छठे ओवर की गेंदबाजी हो रही है। सर्कल के ओवर चल रहे, जितनी अच्छी बॉलिंग नदीम जावेद ने की है, बड़े तजर्बाकार नदीम जावेद कराची के माने जाने हुए बॉलर और बैट्समैन है। काफी त्रास कर उनका आए गेंद की और गेंद को खुद फील्ड कर लिया अपनी गेंद के ऊपर, बहुत ही समझदारी के साथ गेंदबाजी करते हुए, तजर्बाकार है नदीम जावेद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पूरा कराची बढ़ के सिंध पूरा जानता है नदीम जावेद को, अच्छे बल्लेबाज भी है। कराची स्टॉलियंस के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार होता है इनका। अब उन्होंने अब्दुल्ला के लिए जो फील्डिंग खड़ी की है, थर्ड मैन बाउंड्री, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये ओ आए गेंद की, और दो खिलाड़ी के बीच में गेंद बॉडी लाइन के बाहर, बहुत ही जबरदस्त शॉट, बड़ी समझदारी के साथ, क्योंकि फील्डर थे ऑफ साइड पे, दो फील्डर ऑन साइड पे, दोनों फील्डरों के बीच में से शॉट खेल दिया 4 रन के लिए।
बहुत ही समझदारी के साथ शॉट खेला, भरपूर फायदा उठाया कमजोर गेंदबाजी का। बिल्कुल तैयार है इस मरतबा भी अब्दुल्ला। ये नाजीन हमारे रिप्ले दे सकते हैं, यहां दौड़ना शुरू किया नदीम जावेद ने और शॉर्ट स्कोर ले अंपायर की तरफ, एक रन का और इजाफा हुआ मेडिकेम के स्कोर में। इस तरह ओवर मुकम्मल हो चुका है। दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों की 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। Introducing It's All About Me Body Spray with international perfume, intense fragrance, 24-hour lasting. Ignite the passion, feel the attraction. It's All About Me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गर्म पीते हैं, चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं, भाई वैसे तो मजबूत फर्स्ट अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं, दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों की 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। इंट्रोड्यूसिंग इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे विद इंटरनेशनल और की गेंदबाजी शुरू होती है। और खेलने में कामयाब हो चुके गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पूरा फायदा उठाया बैट्समैन ने। क्या बैटिंग हो रही है मेडिकेम की तरफ से, रन लेने का कोई भी मौका जाया नहीं कर रहे। बहुत ही अच्छा शॉट था ये, अब्दुल्ला एक मरतबा फिर तैयार है बिल्कुल, और तेजी के साथ एक मरतबा फिर दौड़ पड़े हैं। एक रन बनाया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया प्लेयर रही। ऐसे होते हैं बैट्समैन, फील्डर को परेशान करके रखा हुआ है, पूरा पूरा फायदा उठ रहे। फील्डर बाउंड्री लाइन पे, बैट्समैन करीब में खेल के रन ले लेते, और जब करीब में होते तो बाउंड्री जरूर मिलती है। चूंकि जिम्मेदार बैट्समैन क्रीज पर मौजूद है, कप्तान टीम के, मेडिकेम के कप्तान अब फेस करेंगे अफनान, और अच्छा शॉट लेकिन रन जरूर आएगा, रन रोकने पड़ेंगे स्टालियंस के बॉलर को। क्रिकेट देखनी है तो नया नाजबाबाद में, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट बैट्समैनों की तरफ से देखने को मिल रही है। मेडिकेम के बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, बड़े खूबसूरत सुंदर बारी लेते हुए, और अब्दुल्ला का शॉट बड़ा जबरदस्त शॉट, यकीनी तौर पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। क्या झड़ दिया है शॉट, धमाका के शॉट, बड़ा दिल का शॉट था ये जमीन के साथ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, सिर्फ बल्ला दिखाया टाइमिंग के साथ, खूबसूरत चार रन और मिले हैं। तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 66 रन एक खिलाड़ी आउट। अभी तो सिर्फ सातवें ओवर की गेंदबाजी हो रही है, आए गेंद की और ऑफ स्टंप से काफी बार, मेरे ख्याल में थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं गेंदबाज। सैयद हैदर आए गेंद की, और इस मरतबा भी बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने को मिली है, बहुत ही बढ़िया दिल का सुंदर बारी, बहुत ही अच्छा दौड़ते हैं अब्दुल्ला, मिसाल है नौजवान क्रिकेटर्स के लिए। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन राइट और लेफ्ट का,
सैयद हैदर उल्टे हाथ से गेंदबाजी करते हैं, आए गेंद की और इस बार तो बल्ले का किनारा लिया, गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद के पीछे फील्डर दाई मार के गेंद को रोकने की कोशिश और अपने हाथ से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दी। एक और चौका, चौके ही चौके देखने को मिल रहे हैं ओवर में, एक दो चौके तो जरूर मिल रहे, ये देख रहे हैं हमारे नाजरीन गेंद के पीछे और रोकने की कोशिश और सीधा हाथ लग गया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस तरह स्कोर की गति पहुंच चुकी है 72 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, बहुत ही जबरदस्त स्टैंड फराहम कर दिया है जोहेब ने, जिसका पूरा लाभ उठा रहे बल्लेबाज, पूरा पूरा फायदा उठाते हुए। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट हो रही है, मेडिकम पहले बल्लेबाजी करते हुए 72 रन एक खिलाड़ी आउट। अब अब्दुल्ला फेस करेंगे, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी और एथलेटों की तरह दौड़ते हैं, फुटबॉलर की तरह दौड़ते हैं ये, बहुत ही अच्छी अपनी बारी ली है और पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया। हाई गेंद की और इस मतलब मिडॉन की दिशा में शॉट खेल दिया है और फील्डर मौजूद, चाको चौबंद इस पर दबाते, सिर्फ एक रन मिलेगा बैट्समैन को। फरीदागा 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग के निशान के पास खड़े हुए, फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं, गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री शॉर्ट मिड ऑफ और डीप मिड ऑफ, ये ऑफसाइड की फील्डिंग है। फरीदागा है गेंद की और बहुत ही जबरदस्त शॉट पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और यकीनी तौर पर एक और चौका मिलेगा। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, परेशान है बॉलर फील्डर, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला और स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए ओवर में एक चौका दो चौका जरूर लेते हैं। क्या बैटिंग हो रही है मेडिकैम के बैट्समैनों की तरफ से, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी तालमेल के साथ बैट्समैन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, क्रीज से बाहर निकले इस मरतबा, लेकिन वहां निस्बतन बेहतर बॉल था, सीधा थ्रो आया स्टंप्स के ऊपर विकेट कीपर के पास। फरीदागा एक मरतबा फिर टीम के कप्तान फेस करेंगे मेडिकैम के और इस मरतबा एक्स्ट्रा कवर की जानिब बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद, एक रन और मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मेडिकैम की तरफ से, वाइड कामयाब बॉलर नदीम जावी, फील्डिंग को तरतीब दे रहे हैं टीम के कप्तान कराची स्टॉलियंस के। अब उन्होंने पॉइंट के फील्डर को लिया है एक्स्ट्रा कवर पे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे। फरीदागा गेंद की, अब्दुल्ला ने शॉट खेल दिया और एक रन जरूर मिले, अब्दुल्ला बैटिंग करेंगे तो रन मिलेगा, सिंगल रन तो मिस कर ही नहीं रहे। दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया है, दोनों टीमों के बाद माने जाने बल्लेबाज। फरीदागा एक मरतबा फिर फील्डिंग का जायजा लेने के बाद आप डीप स्कोर लेग बाउंड्री पे फील्डर खड़ा कर दिया फरीदागा ने, इस मरतबा शॉट आए मिड ऑन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, इस तरह 8 ओवर मुकम्मल हो चुके, स्कोर 80 खिलाड़ी आउट, हम एड पे जाएंगे। अब बड़ा खूबसूरत मंजर हमारे नाजरीन देख रहे हैं, एक कामरान भाई हमारे, बड़ा दिलकश मंजर नया नाजमा बंद ग्राउंड का, क्या कैमरे की आंख ने महफूज किया ये सीन, बहुत ही बड़े अच्छे कैमरा मैन कामरान भाई। आठ ओवर के अख्ताम पर 80 रन 10 रन का एवरेज फी ओवर, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, बड़ी खूबसूरत
ऐसे लगता है जैसे सुपरस्टार बैटिंग कर रहे हो, और वाकई भी सुपरस्टार है दोनों। और एक बार फील्ड में तब्दीली की है बॉलिंग में, और मिड ऑन की तरफ चौट खेला, एक रन और मिलेगा। जफर आए गेंदबाजी के लिए, नौवे ओवर की गेंदबाजी कर रहे जफर। और उनके सामने जो बल्लेबाज है वो बहुत ही बड़े दिलकश बल्लेबाज, सुंदर बारी लेते हुए, अब्दुल हयान का नाम, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये। हमारे दर्शक अगर देख सकते हैं तो अब्दुल्ला की बारी से सबक सीखे, स्पोर्ट्स के जितने भी बैट्समैन बॉलर हैं देख सकते हैं अब्दुल्ला को, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटिंग शॉट और बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट पर खेलने की कोशिश की, बहुत ही शानदार गेंद था, करीबी मामला हो सकता था, मगर खुशकिस्मत रहे गेंद विकेट कीपर के पास आ गई। जफर अहमद एक मरतबा फिर आई गेंद की और आराम से खेल के रन बना लिया अब्दुल्ला ने, एक रन, लेकिन उनका पाव स्लिप हो गया दूसरे रन लेने की कोशिश में, सिर्फ एक रन पे इत्तेफाक कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 82, एक खिलाड़ी आउट, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही दिलकश मंजर, नया नजोबाद क्रिकेट स्टेडियम का हमारे नाज़रीन देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। जफर अहमद एक राउंड विकेट बॉल करेंगे, क्रीज से बाहर निकले बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है, देखना पड़ेगा हमें, गेंदबाज नीचे है और कैच करने की कोशिश, जिसके नतीजे में दूसरा रन मुकम्मल कर लिया, ड्रॉप कर दिया ये कैच। अभी इसका रिप्ले भी दिखाएंगे आपको, हमारे नाज़रीन रिप्ले देखेंगे। गेंद की बल्ले का किनारा लिया अफरान का और बॉलर खुद गेंद के नीचे आए, लेकिन कैच करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में दो रन मुकम्मल कर लिए। मायूस हुए गेंदबाज, लेकिन बड़ा ही ऊंचा कैच था, नई जिंदगी मिली है इरफान को, संभल के खेलना पड़ेगा। डीप स्कोर शॉर्ट स्कोर लेंगे तो शॉर्ट, एक रन का और इजाफा होगा। अपनी पहली मंजिल की तरफ रवा दवा मेडिकम की टीम। जफर अब गेंदबाजी करेंगे अब्दुल्ला को, और अब्दुल्ला ने कट कर दिया, लेकिन वह फील्डर मौजूद, मौका नहीं था रन बनाने का। इस तरह 9 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, स्कोर है 85 रन, एक खिलाड़ी आउट मेडिकेम का। सोल्यूशन दे और रखे दांतों को मजबूत, मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। इंट्रोड्यूसिंग इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे विद इंटरनेशनल परफ्यूम, इंटेंस फ्रेग्रेंस, 24 आवर लास्टिंग, इग्नाइट द पैशन, फील द अट्रैक्शन। It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. Assalamualaikum. Assalamualaikum. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गर्म पीते हैं, चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं। भाई वैसे तो मजबूत, बस अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं, दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों के 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत, मेडिकम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। इंट्रोड्यूसिंग
It's all about me body spray with international perfume, intense fragrance, 24 hour lasting. Ignite the passion. मैच कराची स्टॉलियंस और मेडिकेम के दरमियान खेला जा रहा है। तो जिसको पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, मेडिकेम ने बहुत ही अच्छी बारी ली है। वाइड बैट्समैन आउट हुए जोहेब और स्कोर की गति को बड़े जबरदस्त अंदाज में लेके चल रहे हैं दोनों बैट्समैन। और इस बल्ला खेलने की कोशिश की अफरान ने, बीट हुए बाई का रन मिलेगा ये विकेट कीपर के पास से होती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई, लेकिन रन जरूर मिलेगा। अब तक रन रोकने में कामयाब नहीं हो सके हैं कराची स्टॉलियंस के फील्डर और बॉलर। अब्दुल्ला फेस करेंगे एक मरतबा फिर फरीद को, आए गेंद की और बहुत ही शानदार शॉट, वहां फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन के ऊपर, सिर्फ एक रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की और थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर विकेट कीपर के पास। बहुत ही शानदार मुकाबला कराची मास्टर लीग का ये मैच और सीधी दिशा में शॉट, लेकिन कमजोर शॉट था ये। एक रन और मिलेगा, क्रॉस शॉट खेला ये, बल्ले पे सही तरीके से गेंद नहीं आया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, एक रन तो जरूर मिलेगा। और स्कोर पहुंच चुका है 88, 10वीं ओवर की गेंदबाजी हो रही है जो करवा रहे हैं फरीद आगा। उनके सामने बैट्समैन अब्दुल्ला और अब्दुल्ला ने खेलने की कोशिश की, पैड में लगा, मौका नहीं था रन बनाने का। ऑन साइड की फील्डिंग, शॉर्ट थर्ड मैन, डीप स्कोरलेस बाउंड्री, शॉर्ट मिड ऑन, डीप मिड विकेट और मिड ऑन, ये है ऑन साइड की फील्डिंग अब्दुल्ला के लिए। और अब्दुल्ला इस बार शॉर्ट बनने की तरफ खेलने में कामयाब हो रहे हैं और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। नसीम जावी के गेंद के पीछे दो रन मुकम्मल किए, इस तरह स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90। अच्छा शॉट था, गैप में था वहां क्योंकि फील्डर सर्कल में और शॉट था गैप में। फरीदागा आए और इस मरतबा बड़ा जबरदस्त शॉट, डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन, बहुत ही बढ़िया शॉट, जबरदस्त बल्लेबाजी। और अब्दुल्ला रन में आगे निकल चुके हैं फ्रांस से। अब्दुल्ला का स्कोर हम बताते चले आपको, 33 रन, जबकि इससे पहले बैटिंग करने के लिए आए थे अफनान, जिनका स्कोर 31 रन 25 बॉलों पे और 23 रन 23 बॉलों पे 29 रन बनाए हैं अब्दुल्ला ने। 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है। ये रिप्ले देखे हमारे नाजरीन, स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। और खेलने में कामयाब हुए अफरान, डीप स्कोर ले बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर था फील्डर, सिर्फ एक रन मिलेगा। अपनी फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी तारीफ की जाए कम है मेडिकेम के बैट्समैनों की। क्या बल्लेबाजी, क्या पार्टनरशिप, बहुत ही शानदार साझेदारी। इस पर अब्दुल्ला ने बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, यकीनी तौर पर दूसरा रन रोका है, लेकिन एक रन से जरूर ले लिया बैट्समैनों ने। जफर अहमद निष्पर्धन, अच्छा ओवर, दो बॉले हो चुकी है, दो रन आए।
अफनान अब सामना करेंगे जफर अहमद का, टीम के कप्तान है अफनान मेडिकम के, और ऊंचा शॉट खेल दिया है वहां, फील्डर मौजूद नहीं लेकिन गेंद दर्शकों के बीच में जाके बड़ा जबरदस्त हवाई फायर, 6 रन, बहुत ही जबरदस्त, वहां गाड़ी खड़ी हुई थी कार, कार को जाके लगा ये बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। जैसे हमारे दर्शक चाहता है भी अच्छा ही शॉट खेला है, कमजोर गेंदबाजी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए, और वो भी कप्तान है मेडिकैम के, 6 रन हासिल कर लिया अफनान ने। आए गेंद की और सराब बिटॉन की दिशा में शॉट खेला ये अफनान ने, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, बहुत ही शानदार दौड़ने का मुजाहिरा, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बड़े तालमेल के साथ दौड़ते दोनों। बहुत ही शानदार क्रिकेटिंग शॉट, बहुत ही शानदार दौड़ने का मुजाहिरा देखने को मिला। जफर आए और इस मरतबा भी तैयार थे अफनान, मगर अब्दुल्ला ने मना कर दिया। इस मरतबा में टॉन की दिशा में शॉट खेला, वहां बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा हुआ। इस तरह 11 ओवर के खाते पर स्कोर 105 रन, 1 खिलाड़ी आउट। यह है अब तक की सूरत हाल नया नाजोबाद क्रिकेट स्टेडियम में। कैच कर लिया विकेट कीपर ने, बहुत ही जबरदस्त खेल रहे थे और बल्ले का किनारा लिया, पहले कैच छोटा फिर डाइव मार के दूसरे स्ट्राइक, सेकंड अटेम्प्ट में कैच को पकड़ा विकेट कीपर ने। इस तरह अफनान की बारी का खात्मा हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। ये रिप्ले हमारे दर्शक, हमारे नाजरीन, हमारे सपोर्टर, और ये देख सकते हैं आप सेकंड टाइम में कैच को पकड़ा, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त मंजर देखे थे। ये बॉलर आए गेंद की और ये बत्तू पे गए, कट किया विकेट कीपर के हाथ से छूटा, फिर सेकंड टाइम में कैच किया, बहुत ही बढ़िया कैच, और ये तालियां आप जो सुन रहे हैं वो है टीम के कप्तान अफनान के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बारी ली। जबरदस्त बैटिंग करने के बाद अपना काम पूरा करके गए हैं ये। जितना ऊपर है ना व्यू अच्छा लगता है। तो मैंने भी टेप लगाया है। अब उमर आए हैं अपनी बारी लेने के लिए, देखें टीम के लिए क्या किरदार अदा करते हैं, वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन हम आपको बताते चले 105 रन, 2 खिलाड़ी आउट। फहद जावीद को कामयाबी मिली है अफनान की सूरत में,
फाद आए गेंद की क्रीज से बाहर निकले, बहुत ही जबरदस्त शॉट, लेकिन वहां डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन मिलेगा। अपना आगाज कर चुके हैं उमर, हाथ एक बार दबा फिर फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं अपनी। शॉर्ट थर्ड मैन डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री शॉर्ट मिड ऑफ और डीप मिड ऑफ, ये ऑफसाइड की फील्डिंग, शॉर्ट फाइनल लेग डीप स्कोर लेग डीप मिडल की डीप मिड ऑन और शॉर्ट मिड ऑन, ये है ऑन साइड की फील्डिंग। जावेद गेंद की ओर, इस तरह चकमा दिया है बॉलर ने, बोल कर दिया अब्दुल्ला को, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ये दूसरी विकेट इस ओवर में, बहुत ही बढ़िया विकेट लिया अब्दुल्ला, सैड बैट्समैन थे, अपनी टीम के लिए बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन देखते हैं ना कभी तो बैट्समैन और कभी तो बॉलर, बॉलर का पल्ला भारी होता हुआ। देखे ये रिप्ले हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये बोल हुए बगैर देखे खेले, बल्ला ऊपर से चलाया गेंद, यॉर्कर हुआ और बोल हुए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पहले ही ओवर में दो कामयाबी मिली है। बड़ा साफ सुथरा रिप्ले, बहुत ही बढ़िया, बड़ी जबार है, बहुत जबार, बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है हमें फहद जब्बार की तरफ से, बहुत अच्छा किरदार अदा किया कराची स्टॉलियंस के लिए। कराची मास्टर लीग का बहुत ही बड़ा मुकाबला अब कम बैक किया है बॉलरों ने, एक ही और दो विकेट मिली फराइज फहद जब्बार को, बड़ा अच्छा किरदार अदा किया गेंदबाज ने। अब दोनों बल्लेबाज ने नई जोड़ी विकेट के ऊपर तला है अपनी बारी लेने के लिए, अब तो बड़ी अच्छी बैटिंग की है मेडी कैम के बल्लेबाजों ने। आप तैयार हो रहे हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की देखने को मिली है फहद जब्बार की तरफ से। अब एक मतलब चाको चौबन दस्ते की तरह फील्डर, एक मतलब फिर चाको चौबन हो चुके हैं फील्डर्स, क्योंकि फहद जब्बार ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। आए गेंद की और कहा खेलना चाह रहे थे, बड़ा नजदीकी मामला, लेकिन विकेट कीपर की गलत में बहुत ही बढ़िया गेंद को पकड़ा। और इस पर तो बड़ा रोक लिया है उमर ने, बहुत ही शानदार ओवर इख्तिताम पसीर हुआ, जितने तारीफ की जाए कम है अपनी टीम के लिए क्या गेंदबाजी की है। Spray with international perfume, intense fragrance, 24 hour lasting. Ignite the passion, feel the attraction. It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गर्म पीते हैं, चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं, भाई वैसे तो मजबूत बस।
अच्छा बहुत है ये गेंद शॉर्ट फैलने की तरफ गई, एक रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। जफर कंटिन्यू करेंगे एक मरतबा फिर, उनके सामने बैट्समैन है ताहा। हाँ फेस करेंगे जफर को, जफर आए गेंद की और इस बार कट करने में कामयाब हो गया। थर्ड नंबर बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है तेजी के साथ गेंद के पीछे फील्डर, गेंद को रोका इससे पहले कि थ्रो होता दो रन मुकम्मल कर लिए। बहुत ही शानदार फील्डिंग, स्लिप करके गेंद को रोका और दो रन यकीनी तौर पर रोक लिए। ताहा जफर को फेस करेंगे आई गेंद की इस बार दबा। स्कोर थोड़ा ब्रेक हुआ है माना यकीनी तौर पर स्कोर बहुत ही अच्छा जा रहा था, अभी भी अच्छा स्कोर है। और ये शॉट डीप स्कॉलर बाउंड्री के ऊपर खड़े हुए थे, एक रन मिलेगा मेडिकेम की टीम को। तीन खिलाड़ी आउट 109 रन पे, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है जफर ने। और लेग ग्लास इस बार फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और गेंद को रोकने से पहले ही बाउंड्री लाइन पार कर गई बॉल। इस तरह चार रन, बड़ा दिलकश शॉट, रिवर्स स्वीप खेला और चार रन हासिल किए उमर ने, बहुत ही अच्छा शॉट था ये उमर का। फील्डर बहुत करीब थे, पूरा फायदा उठाया, ऑफ साइड पे आके लेग साइड पे शॉट खेला। इस मरतबा बड़ा अच्छा शॉट, एक रन और सिर्फ एक रन मिले, बहुत ही जबरदस्त हो सीधा विकेट कीपर के हाथ में, सिर्फ एक रन लेने पे मजबूर कर दिया बैट्समैनों को। स्कोर पहुंचा 115 रन, तीन खिलाड़ी आउट। ये है अब तक की सूरत हाल। देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गर्म पीते हैं, चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं पर बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं, भाई वैसे तो मजबूत फर्स्ट अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं, दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों की 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। और इस बार दवा खेला है शॉर्ट स्कोर लेफ्ट फील्डर मौजूद एक रन के लिए। बार एक बार फिर और सीधी दिशा में शॉट खेला, वहां फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक रन लेना, अच्छा शॉट था ये। अब उमर फेस करेंगे, फात को क्रीज से बाहर निकले, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया। ये बॉल सीधा शॉट, बहुत ही अच्छा रोका है फात जब्बार ने, अपनी गेंद पे खुद ही गेंद को फेंक, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। 117 रन, तीन खिलाड़ी आउट।
शॉट है और वो खेल जा रही है और जबरदस्त खेला है, बड़ा जबरदस्त शॉट, लेकिन वह एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर मौजूद, सीधा स्टंप के ऊपर थ्रो विकेट कीपर के पास। अब ताहा एक मरतबा फिर फेस करेंगे, अब तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है फहद जब्बार ने, फहद आए गेंद की और थोड़ा कमजोर बॉल जिसका फायदा उठाया, लेकिन वहां फील्डर तेजी के साथ गेंद को रोका, थ्रो किया, दो रन बना लिए बैट्समैनों ने। बहुत ही शानदार दौड़े, अच्छी फील्डिंग और थ्रो। बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाद खड़े खड़े तमाचा देखते रहे फील्डर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छा ओवर है मेडिक गेम के हक में और पहुंच चुका है इसको 124 पे, तीन खिलाड़ी आउट, 14 ओवर का खात्मा हो चुका है। बॉलिंग में तब्दीली की गई है, बहुत ही शानदार मुकाबला, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला बड़ा दुरुस्त साबित हुआ है अब तक। मेडिकेम के कप्तान का 124 रन में तीन खिलाड़ी आउट है, बहुत ही बड़ा मैच है, जबरदस्त टीम, दोनों टीमों को बड़े बड़े खिलाड़ियों की खिदमत हासिल है। कराची स्टोलियंस में नदीम जावेद ही नजर आ रहे हैं जिन्होंने बॉलिंग की, अब इनकी बल्लेबाजी भी बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन अब तक तो मेडिकम ने बड़ी शानदार बैटिंग की है। बड़ा खूबसूरत खेल देखने को मिल रहा है हमारे नाजरीन को और जबरदस्त शॉट, बहुत ही बढ़िया, दर्शकों के बीच में फजा में बुलंद हुआ, अंपायर गया 6 रन, बहुत ही जबरदस्त शॉट था इमरान का, थोड़ा शॉर्ट बॉल और पूरा लाभ उठाया उसका, यानी कि फायदा। ये हमारे नाज़रीन देख सकते हैं गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरी, जो दर्शकों को पसंद वही शॉट खेल रहे हैं बॉस, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, बड़ा खूबसूरत खेल। तमाम ही खिलाड़ी अब तो बड़े नौजवान हैं और कट करने की कोशिश की, करीबी मामला था मगर गेंद विकेट कीपर के पास आया, शॉर्ट बॉल का इशारा आया अंपायर का, उमर ने देखा गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा ऊपर है, वनडे शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास, एक मरतबा फिर बॉलर तेजी के साथ आ रहे हैं, इस मरतबा भी खेलने की कोशिश की, समझ से बिल्कुल बाहर, विकेट कीपर के पास गया बॉल,
फरीद है नहीं, फहद है फरीद है, कराची स्टोलियंस में दो फरीद खेल रहे हैं, एक स्पिनर है दूसरे मैडम आए गेंद की और बैक फुट पे गए, आसानी से एक रन बना लिया बैट्समैनों ने, इस तरह इजाफा हुआ एक रन का, 130 रन तीन खिलाड़ी आउट, 15वें ओवर की बड़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, दबाव बनाया है इस ओवर में फरीद ने, जो कि मीडियम पेसर बॉलर है कराची स्टोलियंस के, कराची मास्टर लीग का एक और बड़ा मैच हो रहा है, मेडिकम बैटिंग कर रही है, अब तक 31 रन बनाए तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर, फरीद आई गेंद की, इस पर तो अच्छा गेंद था, विकेट के अंदर आया, बैट और पैर साथ मिला दिया खेला और वहां ऑन साइड फील्डर मौजूद था करीब में, जिसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने एक रन के लिए, स्कोर की गुत्थी आगे बढ़ती हुई 132 रन तीन खिलाड़ी आउट, फरीद एक मरतबा फिर उनके सामने बैट्समैन है उमर और पकड़ देके खेलने की कोशिश की विकेट कीपर के पास, इस तरह 15 ओवर का खाता बड़ा अच्छा ओवर आया कराची स्टोलियंस के हक में, इसमें सिर्फ 2 रन बने, बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली फरीद की तरफ से, अब बकिया 30 बॉल है, देखते हैं क्या किरदार अदा करते हैं, काफी लंबी हार पड़ी हुई अभी पीछे बैटिंग लाइन की, बहुत शॉट खेलने पड़ेंगे दोनों बल्लेबाजों को, स्कोर तो अच्छा है लेकिन और अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा, 30 बॉलों पर 30 रन तो जरूर आएंगे लेकिन क्रिकेट है हम आखिरी लम्हा तक कुछ भी नहीं कह सकते, जफर आ गया, अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए आए फाज जफर, ब्लॉक कर दिया है बैट्समैनों को, बड़ी दिफाई फील्डिंग ली है, फाइन लेग और थर्ड मैन में कोई भी फील्डर नहीं, फहद आई गेंद की और तमाचा सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर गया लेकिन एक रन मिलेगा, बड़ा कमजोर तमाचा था ये, गैप में खेलते हुए 4 रन हो सकते थे, अब उमर फेस करेंगे, उमर है बैठ गया, मैं हेलमेट पहन लिया, कौन उमर है कौन, अब उमर फेस करेंगे, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं गेंदबाज, अब स्लीप के फील्डर को हटा के शॉर्ट फाइनल पे लेकर आ गए फहद, आए गेंद की और सफलता सीधी दिशा में शॉट, फील्डर मौजूद है, फील्डर को फरीद आगा सिर्फ एक रन लेने का मौका दिया बैट्समैनों को, मैंने जैसे पहले ही बताया काफी दिफाई फील्डिंग ली हुई है, फहद जब्बार ने फेस करेंगे अब और खेलने की कोशिश लेकिन रन तो जरूर आएगा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बाई का रन आया ये, अब तो बाई के 2 रन आ चुके हैं, 16वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है और बॉलर है फहद जब्बार, उमर फेस करेंगे, क्रीज से बाहर नहीं ले, कैसी रहा है हाथ में, लेकिन काफी जोरदार शॉट था ये, हाथ में आके निकल गया, बहुत ही जबरदस्त शॉट लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, तेज शॉट था हाथ से निकल गया, बड़े भाग्यशाली रहे उमर, इस पर बॉल बाहर निकले, ऑफ स्टंप से काफी बार बॉल, वाइड बॉल का इशारा, दोनों मजबूत बैट्समैन और फील्डर को मुश्तमिल टीम है, बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है, क्रीज से बाहर निकले और एक मतलब सीधी दिशा में तेज शॉट,
देखना पड़ेगा अंपायर का चार रन। क्या शॉट खेला जमीन के साथ, धरती हिला दी कि बम्बारमेंट हो रही है बल्लेबाजों की तरफ से, रोकने पड़ेंगे। देखे रिप्ले, पलक झपकते इसी मारिका की तरफ, ये जबरदस्त क्या बात है बल्लेबाज की। उमर अब खुलकर बैटिंग करना शुरू कर दिया। उमर ने हाय बॉलर इस पर दबा डीप मिड विकेट की तरफ, बॉर्डर लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद, एक रन जरूर आएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 141 रन, तीन खिलाड़ी आउट, 16 ओवर का खात्मा हो चुका है। एड पे चलेंगे हम। एक मरतबा फिर फील्डिंग का जायजा ले रहे गेंदबाज है, उनके सामने जो बैट्समैन है वो उमर है। एक बार बड़ा अच्छा ओवर किया था इससे पहले इन्होंने, फरीद आई गेंद की, जबरदस्त शॉट गेंद सीमा रेखा के बाहर, क्या फायर किया है अफरीदी, शॉट बहुत ही लंबा बढ़िया शॉट गेंद, मस्जिद की तरफ गई है। शॉट बॉल का भरपूर फायदा उठाया उमर ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया दर्शकों के बीच में। जो दर्शकों को पसंद वही शॉट खेला है बॉक्स ने, जिसकी दाद देनी पड़ेगी बल्लेबाज को। फरीद आई गेंद की और इस बार भी अक्षर कवर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां दो बिल्डर मौजूद थे लेकिन उनकी बहुत से दूर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, दो बॉल 10 रन आ चुके हैं। क्या बढ़िया बल्लेबाजी उमर की तरफ से देखने को मिल रही है, पहले मिड विकेट की तरफ और अब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, परेशान करके रखती है फील्डरों को और गेंदबाजों को, बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी बैटिंग, बड़ी लाजवाब बल्लेबाजी, बड़ा सुंदर भारी लेते हुए उमर अपनी टीम के लिए धूला बने हुए टीम के अपनी, क्यों ना बने, बहुत ही अच्छी भारी ले रहे अपनी। और इस पर दबा गेंद शॉर्टकट था पैड पे लगा, विकेट के बने गेंद को फील्ड किया लेकिन स्कोर आ चुका है, स्कोर 152 रन, तीन खिलाड़ी आउट। बहुत परेशान है फरीद इस ओवर में काम उमर की बल्लेबाजी से, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बड़ा खूबसूरत स्टाइल। और इस पर दाता ओहो, क्या जबरदस्त शॉट, पलक झपकते गेंद बाउंड्री लाइन के बाद, डीप स्कोर लेग और शॉट फाइनल के बीच में से बढ़िया शॉट, चार परेशान है फील्डर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ऊपर से गेंदें जा रही है और गैप में से चार रन और छक्के तो मिलेंगे। फरीद का महंगा ओवर, इस पर तो वह सीधी दिशा में खेल दिया है शॉट और फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक रन जरूर आएगा। 156 तीन खिलाड़ी आउट, 57 रन हो चुके 100, बहुत ही जबरदस्त साझेदारी
बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप, बड़े अनुभव बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हैं। इस मतलब बड़ा अच्छा शॉट कवर बाउंड्री के ऊपर, एक रन का जरूर इजाफा होगा। क्या तालमेल है, दोनों के जहन मिल रहे हैं आपस में। बड़ी बम्बारमेंट बल्लेबाजों की तरफ से और अच्छा खासा महंगा ओवर। पहले ओवर में इन्होंने दिए थे 7-8 रन, लेकिन दूसरे ओवर में 24 तक पहुंच चुके हैं। फरीद पहले ओवर के ऊपर पानी फेर दिया है फरीद ने। किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं ला रहे दोनों बल्लेबाज, उमर और तहा। काफी स्कोर 158 रन, 3 खिलाड़ी आउट। 17 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। एक मरतबा फिर फहद जब्बार कंटिन्यू करेंगे अपनी गेंदबाजी का। अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है ऐसे मौके पे। बैट्समैन बिल्कुल काबू से बाहर हो चुके हैं। आई गेंद की बाहर निकले और गेंद डीप मिड डाउन की तरफ। इससे पहले थोड़ा बॉलर के पास आना, दो रन मुकम्मल कर लिए। बहुत ही बड़ा अच्छा दौड़ने का मुजहरा मिल रहा है। कोई भी मौका जाया नहीं करे रन लेने का, ये होती है बल्लेबाजी और दौड़ने का मजा। क्रीज से बाहर निकले, एक और शॉट खेला है वहां मिडॉन की तरफ, एक रन बनाया और अच्छा फैसला दोनों बल्लेबाजों का, सिर्फ एक रन पे इत्तेफाक कर लिया। 18वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। फहद एक मरतबा फिर उनके सामने जो बल्लेबाज है वो है ताहा, और ताहा खेलना चाहते थे, कमजोर शॉट था ये, फिर भी एक रन मिलेगा। इससे पहले कि फील्डर आते गेंद के ऊपर रन मुकम्मल कर लिए। क्या बल्लेबाजी, क्या दौड़, पल्ला भारी अभी तक बल्लेबाजों का, परेशान है गेंदबाज। 162 रन बन चुके हैं। इस मरता स्लो बॉल था लेकिन आराम से मिटान की दिशा में खेला एक रन के लिए। बहुत ही बढ़िया सुंदर बारी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, बहुत ही बड़े मंजे हुए बल्लेबाजों की तरह ऐसे होते हैं बैट्समैन। और सीधा शॉट फरीद आगा के हाथ में, कोई गलती नहीं की। बहुत ही काफी देर के बाद एक और विकेट मिला है। जब चिड़िया चुग गई सारे खेत, उसके बाद ये कैच मिला। ये इस तरह तहा आउट हो चुके हैं। था गए कैच हमारे नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। हमारी पीपल देखते हुए रिप्ले, और एक चौथा नुकसान हुआ 18वें ओवर में। 163 रन, 4 खिलाड़ी आउट। मेडी कैम का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कराची मास्टर लीग का ही बढ़िया मुकाबला, बड़ी धमाल की बम्बारमेंट की है उमर ने और तहा ने। इस तरह तहा आउट हो चुके हैं। उमर बैटिंग कर रहे हैं 36 रन पे, 30 गेंदों का सामना किया, 36 रन बनाए और ये तीसरा विकेट मिला है फहद को। वाहिद कामयाब बॉलर जिन्होंने 23 रन लेकर 3 विकेट, 23 रन देकर 3 कामयाबियां मिली है फहद को। कराची स्टॉलियंस के वाहिद कामयाब बॉलर अभी भी एक बॉल बाकी है। मैट्रिक कैम के बल्लेबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम है। कप्तान ने बड़े जबरदस्त तरीके से बारी ली है, तमाम खिलाड़ी के मौका फराहम किया है और साबित करके दिखाया है बल्लेबाजों ने। कप्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बल्लेबाज, लेकिन फहद जब्बार ने भी क्या खूब बॉलिंग की है। 3 बल्लेबाज पवेलियन पहुंचा चुके हैं। ये
बाद एक मरतबा फिर राइट अब स्पिनर आई गेंद की और सीधे दिशा में चोट फायर, गेंद एक टिप्पा खाने का बाउंड्री लाइन के बाहर, बढ़िया शॉट। तमाशा देखते रह गए फील्डर, क्या खूब बल्लेबाजी, क्या कोचिंग हुई है बल्लेबाजों की, और पूरा लाभ उठाते हुए बल्लेबाज इस तरह 18 ओवर की समाप्ति के ऊपर 167 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर मेडिकेम का स्कोर। और रखे दांतों को मजबूत मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। इंट्रोड्यूसिंग It's all about me body spray with international perfume, intense fragrance, 24 hour lasting. Ignite the passion, feel the attraction. Medicam ki team naujawan khiladi par mujhse mile 20-22 jatte 24 saal ke ladke honge sare aur bahut hi zabardast ballebazi dekhne ko mili hai is par dabaat zabardast shot सीधे बैट की शॉट, कामरा ने पल वाला शॉट खेला है, सिर्फ बल्ला दिखाया, ये 6 रन। तमाशा देख रहे हैं फील्डर, मजबूरी है, क्या करे, गेंदबाज चल के ही नहीं दे रहे, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, बहुत ही जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए कम है बल्लेबाजों की। कमजोर गेंदबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, 173 रन चार खड़े हो 19वें ओवर का खेल जाता है, और बहुत ही जबरदस्त शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर। अगर हमारे नाज़रीन बड़ा दिलचस्प जैसे हमारे दर्शक चाहते हैं वैसा ही शॉट देखने को मिल रहा है, जैसे कि कहते हैं ना जो दर्शकों को हो पसंद वही शॉट खेल है बॉस, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। कामरान आगे बढ़ते हुए 40 से पहुंच चुके उमर, सॉरी उमर थे ये उमर, और खेलने की कोशिश बहुत अच्छी गेंद थी, पूरा फायदा उठा रहे उमर, उमर क्या स्कोर है 40 से 26 बॉलों के, क्या जुदाई की है कराची स्टॉलियन से बॉलरों की, 3 छक्के और 5 चौके, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर मौजूद है। उमर फेस करेंगे और इस मतलब भी कमजोर छोड़ दिए, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा दोनों को, ये रन तो अभी तक देखने को नहीं मिला है कि बॉल रुकी हो, रन जरूर लिया है। फरीद अपने बल्लेबाज फेस करेंगे और जबरदस्त शॉट, यह भी देखना पड़ेगा, डाइव मार के गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन उनके हाथ से लगते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। फरीद आगे फील्डर, कोशिश की उन्होंने लेकिन उनके हाथ से लगता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बड़ी बम्बारमेंट, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी लेते हुए, क्या क्या शॉट आया, जैसे भी आए 4 रन आए इस मतलब अभी शॉट खेला है, 1 रन 2 रन के लिए दौड़ पड़े उमर, बहुत ही बढ़िया बिटवीन द रनिंग, बड़ी शानदार बैटिंग देखने को मिली है, एक बड़ी टीम की तरह पूरी तैयारी से आए बल्लेबाज कि आज तो मैच का पासा पलटना है, लेकिन ये मैं बताता चलूं कि अभी दूसरी इनिंग बाकी है कराची स्टॉलर्स की। ये कौन है बैट्समैन, क्या नाम है सर? ज़ियाउल्लाह। ज़ियाउल्लाह ज़ियादू नहीं है, ज़ियाउल्लाह
उमर को चाहिए तीन रन की दूरी पर 27 बॉल पर 47 में बैटिंग कर रहे हैं। अब बॉलर नदीम जावेद आखिरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है। आए गेंद की नदीम जावेद ने और बहुत ही बढ़िया शॉट, देखना पड़ेगा फील्डर के हाथ में कासान के ड्रॉप कर दिया है। बड़े भाग्यशाली रहे उमर, किस्मत भी उनके साथ और रन आउट का खतरा, रन आउट हो चुके हैं उमर इस तरह 48 रन बनाने के बाद आउट हो गए, रन आउट हो गए। कैच छूटा, थ्रो हुआ, मिस फील्डिंग ली, थ्रो भी दोबारा फिर नदीम जावेद के हाथ में बॉल आया और उन्होंने ये थ्रो, ये हमारे नाज़रीन देख सकते थ्रो हुआ, ये गलत थ्रो था ये, लेकिन दोबारा जो करीबी फील्डर थे उन्होंने सीधा नदीम जावेद के हाथ में दिया। जल्दबाजी कर दी लेकिन यकीनी तौर पर बहुत ही बढ़िया बैटिंग, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखने को मिला। मैं उमर की तरफ से अपनी टीम के लिए बड़ा टारगेट सेट करते हुए, अभी भी 5 बॉल है, नदीम जावेद अपने फील्डिंग को सेट कर रहे हैं क्योंकि अब नए बल्लेबाज आए हैं। उमर आए नए बल्लेबाज, उमर चावला आए, बड़ा जबरदस्त शॉट उमर का, दो खिलाड़ी के बीच में बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, सीधा थ्रो बॉलर के बाद, मगर इससे पहले दो रन मुकम्मल कर लिए, यकीनी तौर पर दो रन हो गए, शॉर्ट रन था ये, अंपायर का इशारा शॉर्ट रन था, फायदा नहीं हुआ बल्लेबाजों को, सिर्फ एक रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, यकीनी तौर पर चौका रोका है फील्डर ने, शुरू में ऐसी फील्डिंग कर लेते तो क्या ही बात थी, क्या ही कहने थे, मगर क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यह है सूरत हाल नया नाजोवाद क्रिकेट स्टेडियम में, कराची मास्टर लीग का बड़ा मैच, नदीम जावेद आए गेंद की और मिड ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद, एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 186, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर, अब सिर्फ 3 बॉल बाकी, क्या किरदार देखने को मिलेगा बल्लेबाजों का। और उनके सामने बैट्समैन है जियाउल्लाह, आए गेंद की शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन करीब में फील्डर मौजूद, एक रन का इजाफा होगा। अब जियाउल्लाह सामना करें जिन्होंने 3 गेंदों में 10 रन बनाए, सिर्फ 2 बॉलों का खेल बाकी पहली इनिंग का। नदीम जावेद आए गेंद की और ले कसम से काफी बार वाइड बॉल, अब तक काफी कमजोर गेंदबाजी देखने को मिली है, मां सिवाय बीच में 3-4 ओवर जो जफर के गए, उसके बाद तो काफी पिटाई हुई है गेंदबाजों की, लेकिन कम ये भी नहीं है, नदीम जावेद खुद बड़े अच्छे ऑलराउंडर है। और इस मरतबा भी लेके समझे बाहर बॉल, वाइड बॉल, लगता है 200 रन देने के बिल्कुल मूड में है फील्डर। आए गेंद की और ऊंचा शॉट ग्राउंड के अंदर, फील्डर गेंद के नीचे, बहुत ही जबरदस्त कैच, इससे पहले के फील्डर कैच पकड़ दे खुद ही अपनी क्रीज छोड़ दी, बैट्समैन ने यकीनी तौर पर मुझे भरोसा था कि ये फील्डर कैच छोड़ेगा नहीं, इस तरह छोटा नुकसान हुआ है आखिरी ओवर में। मेडिकेम 6 खिलाड़ी आउट 190 रन पे, रिप्ले दे सकते हमारे नाज़रीन,
बहुत ही ऊंचा और जबरदस्त कैच को जज किया। ऐड चला दो। एक बॉल ले गया। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल। बिल्कुल स्टेडियम में खामोशी छाई हुई है। नदीम जावेद दौड़ते हुए जा रहे हैं। आखिरी बैट्समैन को गेंद करें, गेंद की और बल्ले का किनारा लिया है, गेंद शॉर्ट थर्ड विंडो फील्डर के पास गई और रन आउट हो गए। दूसरे रन में दोनों बल्लेबाजों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजे में विकेट गिर चुका है। इस तरह पहले बैटिंग करते कराची मास्टर लीग का बड़ा मैच जिसमें मेडिकॉम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, बड़ा दुरुस्त फैसला साबित हुआ। 190 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हुए मेडिकॉम के। कराची स्टोलियंस अब बारी लेंगे। इसके साथ ही थोड़ी देर कराची मास्टर लीग का मैच था, थोड़ी देर के लिए हमें इजाजत दीजिए। कैमरामैन कामरान स्कोरन नदीम नुसरत और आपका खादी मोहम्मद हसन बाबरा आपसे थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहते नया नाजमाबाद क्रिकेट स्टेडियम से। अल्लाह आपका निगेबान।
और जूस गरम पीते हैं। चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं। भाई वैसे तो मजबूत, बस अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं, दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों के 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। इंट्रोड्यूसिंग इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे विद इंटरनेशनल परफ्यूम, इंटेंस फ्रेग्रेंस, 24 आवर लास्टिंग, इग्नाइट द पैशन, फील द अट्रैक्शन। It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. Alaikum. Alaikum. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गरम पीते हैं। चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं। भाई वैसे तो मजबूत, बस अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं, दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों के 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। Introducing, it's all about me body spray with international perfume, intense fragrance, 24 hour lasting. Ignite the passion, feel the attraction. It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. Alaikum. Alaikum. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गरम पीते हैं। चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं। भाई वैसे तो मजबूत, बस अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं, दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों के 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। इंट्रोड्यूसिंग इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे विद इंटरनेशनल परफ्यूम, इंटेंस फ्रेग्रेंस, 24 आवर लास्टिंग। इग्नाइट द पैशन, फील द अट्रैक्शन। It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. Alaikum. Alaikum. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गरम पीते हैं। चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं। भाई वैसे तो मजबूत, बस अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं, दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों के 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। इंट्रोड्यूसिंग इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे विद इंटरनेशनल परफ्यूम, इंटेंस फ्रेग्रेंस, 24 आवर लास्टिंग। Ignite the passion, feel the attraction. It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. Alaikum. Alaikum. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गरम पीते हैं। चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं। भाई वैसे तो मजबूत, बस अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं,
दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों की 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। इंट्रोड्यूसिंग It's all about me body spray with international perfume, intense fragrance, 24 hour lasting. Ignite the passion, feel the attraction. It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. Assalamualaikum. Assalamualaikum. देखो अली, मेरी फैमिली में दूसरी इनिंग का आगाज हुआ चाहता है। अब मेडिकेम के फास्ट बॉलर गेंद विकेट कीपर के पास, दोनों बैट्समैन डालेगा भी। और वाइड बॉल का इशारा आगाज हो चुका है। कराची स्टोलेंस का आगाज बिलाल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर में काफी तेज बॉल करते हैं। सामने बैट्समैन है नदीम जावेद और दूसरा इंदा से खेला है। रन बनाने का मौका नहीं था। सेकंड इनिंग का आगाज हो चुका है। बिलाल तेजी के साथ आ रहे हैं। आए गेंद की नदीम जावेद को और उठा के खेलना चाहते थे लेकिन शॉट गया, शॉट मिड ऑन की तरफ। वहां एक रन का इजाफा हुआ, 192 रन बनाए, 192 रन करने हैं अगर ये मैच जीतना है कराची स्टॉलियंस को। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, पहले बैटिंग करते हुए 191 रन बनाए, 192 रन का टारगेट दिया है मेडिकेम ने कराची स्टॉलियंस को। और जो सबसे काफी बार तेज करने की कोशिश में वाइड बॉल फेंक दी, इस तरह स्कोर में इजाफा 3 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल जारी है। बिलाल कराची के तेज तरीन बॉलर में शुमार होता है। बिलाल का हाई गेंद की और डिफेंडर से खेला है बैट्समैन और नदीम जावेद सामने आ रहा है। ये नदीम गेंद की अब्दुल रहमान को और खेलना चाहते का किनारा लगा हुआ, करीब फील्डर मौजूद, रन बिल्कुल नहीं मिला। 191 रन के ताकूर, पहले ओवर का खेल जारी है।
9.5 रन का रन रेट फी ओवर के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। और इस पर खेलने में कामयाब हुए, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, एक रन बनाया और सिर्फ एक रन मिलेगा। पहले ओवर के अख्ताम पर स्कोर है कराची स्टॉलियंस का 3 रन 4 रन। अभी डाला नहीं उसने। असदुल्लाह है गेंदबाजी के लिए और उनके सामने बैट्समैन है अब्दुल रहमान। असदुल्लाह बिल्कुल तैयार है, साइड स्क्रीन का मसला है, बैट्समैन को सही तरीके से बॉल नजर नहीं आ रहा इसलिए उन्होंने साइड को चेंज किया है। असदुल्लाह ने दौड़ना शुरू कर दिया है, उनके सामने बैट्समैन अब्दुल रहमान आए गेंद की और बहुत ही जबरदस्त लेग ग्लांस, लेकिन वाइड बॉल था ये, मैम काफी दूर बैठे हुए हैं, वाइड बॉल का इशारा है। 4 रन, कोई अच्छा आगाज नहीं है गेंदबाजों की तरफ से। पहले बिलाल और असद काफी बाहर बॉल, गेंद फाइनली बाउंड्री क्रॉस कर गई। असद एक मरतबा फिर दौड़ते हुए जा रहे, तेज गेंदबाज है असद, आए गेंद की और इस मरतबा भी वाइड बॉल। लाइन प्लेन को कंट्रोल करना पड़ेगा असद को, एक एक रन कीमती है, बहुत बड़ा मार्का है। दोनों टीमों के पास बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। असदुल्लाह तेजी के साथ जा रहे हैं, अब्दुल रहमान सामने है और जोर खेलने की कोशिश की, पैर पे बॉल लगा, शॉर्ट स्कोर ले कंपायर के पास गेंद गई, एक रन बना। स्कोर पहुंचा 11 रन, दूसरे ओवर का खेल जा रही है। बड़े आराम से आगाज किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अब नदीम जावी फेस करेंगे, असदुल्लाह नदीम जावेद को आए गेंद की और अच्छा शॉट खेला, ये गेंद थर्ड मैन बॉन्ड की तरफ गई, वहां फील्डर मौजूद, थोड़ा हुआ इससे पहले एक रन मुकम्मल हो चुका है। दूसरी इनिंग का आगाज हो चुका है कराची स्टॉलियंस का, 12 रन बगैर किसी नुकसान के,
191 रन का ताकुब। काफी लंबा सफर है। हाई गेंद की और जबरदस्त शॉट, बम्बारमेंट, और इस तरह देखना पड़ेगा हमें अंपायर का इशारा। हवाई फायर 6 रन, बम्बारमेंट की, थोड़ा सा शॉर्ट बॉल, भरपूर फायदा उठाया। बैट्समैन अब्दुल रहमान, असदुल्ला को समझदारी से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अब्दुल रहमान फेस करेंगे एक बार फिर, और दिफाई ने गिरफ्तार किया। ऐसे ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी लाइन टू लाइन के साथ विकेटों के दरमियान, क्योंकि काफी लंबा सफर है। कोशिश भरपूर करेंगे बल्लेबाज अपना टारगेट पूरा करने की, क्योंकि वो भी तो बल्ले लेकर आए हुए हैं। इनके पास गेंद है तो उनके पास बल्ले। असद एक मतलब आए गेंद की, और इस मतलब भाई बल्ले का ऊपर हिस्सा लगाया और सीधा गेंद दे दिया सर्कल के अंदर। पहला नुकसान हो चुका है अब्दुल रहमान की सूरत में कराची स्टॉलियंस को। मास्टर लीग का ये एक और बहुत बड़ा मार्का कराची स्टॉलियंस और मेडिकेम के दरमियान। दूसरे ओवर में कामयाबी मिली है मेडिकेम के बॉलर असदुल्ला को। शॉर्ट बॉल बल्ले का ऊपर हिस्सा लगा और सर्कल के अंदर ही कैच दे बैठे सरन। अब्दुल रहमान आउट हो चुके हैं। पहला झटका लग चुका है बल्लेबाजों को। गेम पे तवज्जो देने की जरूरत है बल्लेबाजों को, क्योंकि इब्तिदाई में झटका लगा है। असदुल्ला एक मरतबा फिर उनके सामने जो बैट्समैन है, अच्छा शॉट, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, यकीनी तौर पर चौका रुका है। ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, दो स्कोर है 18, एक खिलाड़ी आउट। यह है अब तक की सूरत यार कराची स्टॉलियंस की। चलते हैं एड की तरफ। सालों से आपके दांतों के 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। इंट्रोड्यूसिंग इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे विद इंटरनेशनल परफ्यूम, इंटेंस फ्रेग्रेंस, 24 आवर लास्टिंग, इग्नाइट द पैशन, फील द अट्रैक्शन। It's all about me. बराबर गेंद की, बड़ा जबरदस्त भरपूर कुवत वाले एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाके गिरी। क्या गोली शॉट खेला है, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर एक्स्ट्रा कवर के। छह
शेरन भरपूर कुवत वाला शोर था ये नदीम जावेद का, ये बल्ला का इशारा दिया और कैन बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरी। छक्का मारा ये, स्कोर पहुंच चुका है 24। तीसरे ओवर का खेल जारी है। मकसद के ये है कि अब टारगेट के ताकुब में नदीम जावेद बहुत ही मंजे हुए और बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, बहुत सुकून से खेलते हैं और अपनी पूरी पारी लेते हैं। काफी मैच जितवाए हैं अपनी टीम को। बिलाल ने दौड़ना शुरू किया है गेंद की और दिफाइंदा से अख्तियार किया। और इस मरतबा खेल दिया है उन्होंने शॉट फायर लेग की तरफ। अब आशीर फेस करेंगे। बिलाल अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर और उनके सामने बल्लेबाज आशीर। फिलहाल तेजी के साथ आ रहे गेंद की और बल्ले का किनारा लिया, कोशिश की फर्स्ट स्लिप में डाई मार के गेंद कैच करने की बड़ी अच्छी कोशिश, यकीनी तौर पर बड़ा जबरदस्त मौका था हीरो बनने का मगर जीरो बन गए। एक बार जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोशिश की कैच रोकने की, कैच करने की कोशिश की मगर ड्रॉप हो गई। बिलाल गेंद की, बहुत तेज बॉल था बिलाल का, ये करीब में फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया, मौका नहीं था रन बनाने का। स्कोर 25। आशिफ को समझदारी से खेलना पड़ेगा क्योंकि एक चांस मिल चुका है इनको। बिलाल आई गेंद की, बगैर सोचे समझे खेलने की कोशिश, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं बिलाल बहुत तेज तरीन बॉलर है, बहुत ही बढ़िया, छोटा करते लेकिन तेज बड़ी जबरदस्त करते बॉलिंग। बिलाल एक मरतबा फिर आए और बल्ले का किनारा लिया, विकेट कीपर गेंद के नीचे, इस मरतबा गलती नहीं की और ये आउट कर दिया है दूसरा। इस ओवर में चांस मिला था लेकिन इस पर दबा गलती नहीं की विकेट कीपर ने, बहुत ही शानदार गेंदबाजी बिलाल और पूरी टीम यंगस्टर है। बिलाल देखे आ रहे हैं ये गेंद की और बगैर देखे खेलने की कोशिश, किनारा लिया क्योंकि बॉल बड़ा तेज था, ये इस तरह आउट हो चुके दो खिलाड़ी आउट। 26 रन कांची स्टोलेंस का स्कोर।
अब्दुल्ला बिल्कुल तैयार है अपने बॉलिंग के निशान के, वो तेजी के साथ जा रहे हैं। नदीम जावेद फेस करेंगे और लेकर सबसे बाहर बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। एक और चौका मिला है, खराब गेंदबाजी की सूरत में चार रन। तेज बॉलर तो है लेकिन समझदारी से नहीं कर रहे, लाइन लेंथ में नहीं कर रहे, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा है चार रन। इससे पहले ओवर में भी चौका दिया था इन्होंने वाइट बॉल का, बल्ले से कम रन आ रहे और खराब गेंदबाजी से ज्यादा। थर्ड मैन बाउंड्री पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर शॉट भी डॉफी है ऑफ साइड की फील्डिंग। असदुल्ला ने दोनों शुरू किया गेंद की और कट कर दिया चार रन। बड़ी समझदारी से देखा कि स्लिप में फील्डर ही नहीं है, बल्ला सीधी दिखाया और चार रन बाउंड्री लाइन के बाहर। मैंने जैसे पहले ही आपको बता चुका हूं हमारे दर्शकों के, नदीम जावेद बहुत ही बढ़िया समझदार बल्लेबाज है। जैसे अभी अभी देखा हमारे दर्शकों ने, इनकी समझदारी काट कर दिया, ये देखे सिर्फ बल्ला दिखाया और घंटा चौकर बाउंड्री लाइन के बाद। असदुल्ला गेंद की और दिफाइंदा से ऐसा लगता है घमसान का जोर पड़ने वाला है, थोड़ा दबाव है टीम के ऊपर क्योंकि दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। क्रिकेट में दबाव उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसको इसमें संभलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अभी शॉट खेले जाए या ना खेले जाए। असदुल्ला एक बार दबाव फिर तेजी के साथ आ गए गेंद की और गेंद ऑप्शन से बॉल बॉल था ये। नदीम जावेद ने देखते भागते हुए गेंद जानेंगे विकेटकीपर के पास। चौथी ओवर का खेल जारी है, कराची मास्टर लीग का ये बहुत ही बड़ा मुकाबला, दोनों जबरदस्त टीम है, मध्य मुकाबले एक दूसरे के, मेडिकेम और कराची स्टॉलियंस। असदुल्ला गेंद की और भरपूर शॉट जमीन के साथ, धरती आगे रख दी इन्होंने, तमाशा देखते रह गए फील्डर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा भरपूर शॉट था ये, ऐसा शॉट खेला बहुत ही बढ़िया, खुश कर दिया हमारे दर्शकों को। असदुल्ला एक मरतबा फिर खराब गेंदबाजी हो रही है और बहुत ही जबरदस्त शॉट इस वक्त, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। एक रन मिलेगा बल्लेबाजों को, इस तरह कराची स्टॉलियंस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, दो खिलाड़ी आउट। मैनेजमेंट को चाहिए ये कुत्ते जो ग्राउंड में घूम रहे हैं इनको बाहर निकाले। असदुल्ला आए गेंद की और बगैर देखे आखिरी लम्हा में बेड़ा के कर दिया। इस तरह ओवर मुकम्मल हुए चार, स्कोर है 40, दो खिलाड़ी आउट। ये अब तक की सूरत हाल, नया नाजोबाद में दूसरी बैटिंग जारी है। It's all about me. The Orchid School. For further details, visit our website, theorchidschools.com. Assalamualaikum. Assalamualaikum. देखो अली, मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गर्म पीते हैं, चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं, बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं।
भाई वैसे तो मजबूत, बस अंदर से कमजोर, संभाल लेना। बाकी लाल ने थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान की दांतों के नदीम जाए थे सीधा शॉट, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग थी फिलहाल ने अपनी गेंद के ऊपर, अच्छा रोका है बॉल को, यकीन नहीं तो सिंगल रोका। पांचवे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, हम आपको फील्डिंग बताते चले। थर्ड मैन बाउंड्री गली पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर शॉट ब्लॉक, ये ऑफसाइड की फील्डिंग, ओपन जबरदस्त शॉट गेंद सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही जबरदस्त बम्बारमेंट नदीम जाली की तरफ से देखने को मिली। ये बिलाल आए गेंद की, जितनी तेज गेंद उतना तेज शॉट, अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं नदीम जावेद बहुत ही बड़े बल्लेबाज है। बिलाल एक मरतबा फिर आए गेंद की और दिफाई अंदाज से खेल दिया, पूरा भरोसा अपने बाजुओं के ऊपर, बाजुओं में हो दम तो काय का गम, क्योंकि विकेट पर मौजूद है नदीम जावेद। जो दर्शकों को पसंद वही शॉट खेलते हैं बॉस। बिलाल एक मरतबा फिर आई गेंद की और इस मरतबा खेलने की कोशिश, इस बॉल था शॉट मार लेते फील्डर मौजूद, मौका नहीं था रन का, बड़ी धमाल की बैटिंग की अपने नदीम जावेद ने, 12 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं। आए गेंद की और विकेट कीपर ने गेंद को रोकने की कोशिश की, शॉर्ट बॉल था ये, एक रन का इजाफा हुआ। और बाएं हाथ के बल्लेबाज खानशाह फेस करेंगे बिलाल को। बिलाल ने एक मरतबा फिर आई गेंद की, ओ बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, यकीनी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बॉल लग चुका है विकेटकीपर को, तमाम फील्डर विकेटकीपर के पास आके खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत ही डेंजर बॉल था बिलाल का, ये बैट्समैन बीटिंग और गेंद जाके लगी है विकेटकीपर को। अल्लाह खैर करे, बहुत जख्मी हो चुके हैं विकेटकीपर, क्योंकि काफी तेज बॉलर है बिलाल। तैयार है विकेट कीपर अपनी जगह पे जाने के लिए, क्योंकि बड़ा अनइवन बॉल था ये, स्लो बॉल कर दिया, मुंह पे जाके लगा मेरे ख्याल में ये विकेट कीपर के, हेलमेट पहनना चाहिए। अब बॉलिंग में तब्दीली की है असद की जगह, देखते कौन से बॉलर आए हैं, कराची मास्टर लीग का बहुत ही बढ़िया मैच, मेडिकम और
कराची स्टॉलेंस के दरमियान 151 रन के ताकत में बैटिंग जारी है कराची स्टॉलेंस की, 45 रन दो खिलाड़ी आउट और इसका पूरा फायदा उठाया। गेंद डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाद 4 रन, बहुत ही जबरदस्त शॉट, 1 कदम आ गया है और ऑन साइड पे खेल दिया है 4 रन के लिए, बहुत ही जबरदस्त शॉट। बॉलर कौन है अभी आए नहीं से। खामोशी छाई रही अंपायर की तरफ से, अच्छा बॉल था, निस्बतन बेहतर बॉल था ये। आए गेंद की और इस मरतबा खतरनाक अंदाज में खेलने की कोशिश, नदीम जावेद तो बल्लेबाज, 1 रन का और इजाफा हुआ। हाई गेंद की और इस मरतबा कवर के ऊपर से खेला है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। अब नदीम जावेद चेस करेंगे, फील्डिंग का जायजा ले तो गली पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, ये है सर्कल में फील्डर। शॉर्ट फाइनली एक डीप मिड विकेट, शॉर्ट मिड ऑन और डी मिडल ऑन साइड की फील्डिंग। नवीद जावेद ने देख कोशिश की है शॉट को खेलने की, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन और बनेगा। इस तरह 51 रन पे पहुंच चुके कराची स्टॉलेंस के बैट्समैन। अपना ने बॉलर आए गेंद की और बल्ले का किनारा लिया है, लेकिन वहां करीब फील्डर मौजूद, ओवर मुकम्मल हुआ, छठा सर्कल के ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और बनाए उन्होंने 52 रन दो खिलाड़ी आउट। यह है अब तक की सूरत हाल नया नाजमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में कराची स्टोलियंस की, 151 रन के ताकुब में है। आप ऐड तो चलेंगे,
अब खेल शुरू होने वाला, थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था गेम, मगर अब दोबारा शुरू होने वाला है। 4 मिनट हो गए गेम को रुके हुए। मेरे ख्याल में बॉलिंग में तब्दीली की है मेडिकेम ने, बिलाल की जगह आए हैं नए बॉलर्स। नदीम जावेद फील्डिंग का जायजा लेते हुए तैयार हो रहा बिल्कुल, और समझदारी के साथ खेला करीब की गेंद को शूट करके विकेट कीपर ने। नदीम जावेद के लिए जिस तरह तरतीब से फील्डिंग खड़ी की हम बताए चला चले हमारे नाजरीन को, हमारे दर्शकों को, कि थर्ड मैन बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर और सर्कल के अंदर गली में फील्डर है, कवर पे बाउंड्री लाइन के ऊपर एक्स्ट्रा कवर शॉट और मिड ऑफ भी शॉट है। इस तरह ऑफ साइड की ये फील्डिंग है, बॉलर तेजी के साथ आ रहे हैं, गेंद की और गेंद ऑफ साइड से बाहर था। हम ऑन साइड की फील्डिंग आपको बताते चले, फाइन लेग बाउंड्री, डीप स्कोर लेग बाउंड्री, शॉर्ट मिड ऑफ और डीप मिड ऑन, शॉर्ट मिड ऑन और डीप मिड ऑन, ये ऑन साइड की फील्डिंग। असर एक मरता फिर जैसा लेने के बाद तेजी से आ रहे नदी जाओ की बॉल करेंगे, शॉर्ट खेला इस मरतबा, बाउंड्री लाइन के बाद फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा। असद आए गेंद की और बैक फुट पे गए, शॉट खेला है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, एक रन बनेगा। जबकि मेडिकेम के बल्लेबाज बहुत ही शानदार बिटवीन द रनिंग करते थे रनिंग, मेरे ख्याल में इनकी पॉलिसी कुछ और है, इनका प्लान कुछ और है इन बल्लेबाजों का, ऊपर से खेलना है मेरे ख्याल में, तेज बैटिंग के माहिर है बल्लेबाज। असदुल्ला है गेंद की और शॉट, बहुत जबरदस्त शॉट, इस मरतबा खेलने में कामयाब हो चुके हैं गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिलेंगे और मिल चुके हैं 4 रन। जिन बाजुओं में वो दम, वो बाजू कभी छुपते नहीं, हिम्मत नहीं हारते, ऐसा कहना नदीम जावेद का, मैच में आखिरी ओवर तक रहूंगा, ऐसे इरादे लगते हैं इनके। असदुल्ला एक मतलब फिर आ रहे हैं, गेंद की और बड़े अच्छे अंदाज में खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, वो बाजुओं में दम तो काय का है गम, ऐसी सूरत हाल है नदीम जावेद की, बड़े उम्मीद है। सात ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, स्कोर है 59 रन, दो खिलाड़ी आउट, कराची स्टोलियंस का स्कोर।
पता नहीं 30 का भी दे, 30 से कम का नहीं दे, 30 का 50 का। ये कौन सा बॉलर है? और अच्छा शॉट इस पर दबा नदीम का, वहां बाउंड्री लाइन के ऊपर बिल्कुल फील्डर मौजूद, फील्डिंग की, थ्रो किया सीधा स्टंप के ऊपर विकेट कीपर के पास, और वो है अब्दुल्ला फैसल फील्डर। थोड़ी परेशानी हो रही है बल्लेबाजों को क्योंकि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। और ये इस मरतबा खमियाजा भुगतना पड़ेगा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिस फील्डिंग हुई फील्डर से और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर। बड़े कीमती रन बनाए हैं चार, स्कोर पहुंचा 64, दो खिलाड़ी आउट, आठवें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। और अच्छा शॉट था ये, लेकिन फील्डर बॉलर के पास। उमर एक मरतबा फिर सामने बल्लेबाज है और इस मरतबा भी कट कर दिया, लेकिन वो फील्डर मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। आंशा फेस करेंगे आए गेंद की और इस मरतबा बड़ा जबरदस्त शॉट, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर तेजी से आ रहे फील्डर, एक रन का और इजाफा होगा। अच्छा शॉट था खान शाह का, लेकिन वहां फील्डर मौजूद थे, सिर्फ एक रन का फायदा हुआ, फायदा तो जरूर हुआ। उमर अब गेंदबाजी करेंगे नदीम जावेद को और डीप मिड विकेट की तरफ शॉट, फील्डर के बाद अब्दुल्ला फजल सीधा थ्रो विकेट में आके लगा। आठ ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 66 रन है दो खिलाड़ी के नुकसान पर। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा बल्लेबाज, कुछ लगता है इनकी पलानी ही कुछ और है, कछुई के चाल की तरह बल्लेबाजी हो रही है। इस स्कोर की गुत्थी को सुलझाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा, लेकिन मंजिल काफी दूर अभी भी। गेंद की बहुत ही मोहताज अंदाज से खेल दिया, मौका नहीं था स्कोर का। बॉलर आई गेंद की और इस मरतबा खेलने में कामयाब हुए, बहुत ही बढ़िया शॉट, फजा में बुलंद हुए, अंपायर क्या था और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाके गिरी, छक्का मारा बहुत ही बड़ा।
मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत ही समझदार बल्लेबाज है नदीम जावी। मैंने उनकी बेशुमार इनिंगें देखी है। बॉलर एक बार फिर तैयार आई गेंद की और डिफाई अंदाज से घेरा, चकमा देते हैं बॉलर को। ये इस मरतबा भी करीबी मामला मगर महफूज, कोई परेशानी की बात नहीं है कराची ऑस्ट्रेलियंस के लिए। क्रिकेटर मौजूद नदीम जावी, आए गेंद की और इस मरतबा मिड ऑन की दिशा में खेला, ये एक रन के लिए खेला। स्कोर 573, दो खिलाड़ी के निशान पर, दो खिलाड़ी को नुकसान पर माजद के साथ। इस मरतबा खुद ही फील्ड कर लिया अपनी बॉल के ऊपर, ओवर मुकम्मल हो चुका है, 9 ओवर के अख्तिताम पर। स्कोर 73, दो खिलाड़ी आउट, कराची स्टॉलियंस का ये स्कोर है। कराची मास्टर लीग का मैच मेडिकम वर्सेस कराची स्टॉलियंस के दरमियान। ये मैच नंबर 16 है। अब 10वें ओवर की गेंदबाजी शुरू होने वाली है। बॉलर है उमर, उनके सामने बैट्समैन है नदीम जावेद। हाई गेंद की और भरपूर कूद वाला शॉट, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद, सीधा बॉलर के पास। जिन बाजुओं में वो दम तो काई का गम है, क्योंकि मौजूद भी विकेट पर मौजूद नदीम जावेद, उनका पूरा साथ दे रहे खान शाह। उमर आए, अंपायर को क्रॉस चेक एंड की और इस वक्त वहां डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर मौजूद, एक रन का इजाफा होगा। आप नदीम जावेद फेस करेंगे उमर को, आए गेंद की उमर ने और तमाचा, हवाएं फायर, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ऐसा लगा जैसे तूफान आ चुका है, खड़े खड़े देखते रह गए फील्डर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर सीढ़ियों से लगती ही तुम्हारे ग्राउंड में आई। इससे अंदाजा लगा कितना तेज शॉट होगा, बढ़िया शॉट था ये। काई का गम है इन बाजों में एकदम, और शॉट और हमारे बिल्कुल ड्रेसिंग रूम के ऊपर, बहुत ही बढ़िया शॉट, दूसरा छक्का मुसलसल तसलसल के साथ। कमजोर बाजुओं का भरपूर फायदा उठाते हुए नदीम जावेद घुमा के रख दिया है बॉलर और फील्डर को बिल्कुल हमारे ऊपर आके। देखिए नाजरीन क्या खूबसूरत सीधा शॉट हमारे ड्रेसिंग रूम में, और एक और भरपूर शॉट, फील्डर मौजूद है बिल्कुल बॉडी लाइन के ऊपर। मैंने बताया ना, जो दर्शकों को पसंद वही शॉट खेल रहे हैं हमारे बॉस। बॉस तो फिर बॉस होता है और साबित भी करके दिखा रहे अपने बल्ले से। खान शाह का शॉट और फील्डर मौजूद, मगर बहुत ही अच्छा स्कोर आता हुआ ऑस्ट्रेलियंस के हक में 88 पर जा पहुंचा है।
और आगे बढ़ के खेला है नदीम जावेद ने सिंगल के लिए। जब तक मैं बार बार बता रहा हूं कि क्रीज पर मौजूद अगर नदीम जावेद रहे तो यकीनी तौर पर खतरा बन सकते हैं मेडिकेम के लिए। आए गेंद की और कांचा का शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर फील्डर मौजूद सीधा थ्रो बॉलर के पास एक रन मिलेगा। इसका नाम तो वाला बॉलर था अपनान को दिफाई फील्डिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि सामने बल्लेबाज है नदीम जावेद। क्रीज से बाहर निकले मिड ऑफ की दिशा में एक रन के लिए। अब नदीम जावेद को काबू करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपना खोल दिया है बल्ला और झड़ दिए दो छक्के इससे पहले ओवर में। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है नदीम जावेद। आए गेंद की और इस बार खानशाह का शॉट ये डीप स्कोर लेग बाउंड्री की तरफ गया बॉल एक रन के लिए। बहुत ही बढ़िया मुकाबला दिलचस्प रखना हो चुकी है। दस दस आश्चर्य चार ओवर नदीम जावेद को काम करना पड़ेगा क्योंकि कमबैक किया है बड़ा जबरदस्त और इस वक्त कर दिया गेंद बॉडी लाइन पर आ रही है। गेंद के पीछे है फील्डर और गेंद को रोकते से पहले दो रन मुकम्मल कर लिए है नदीम जावेद ने। बहुत ही बढ़िया समझदार बल्लेबाजी बड़ा खूबसूरत खेल अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा नजर है इनके टारगेट के ऊपर। नदीम जावेद को बॉल करेंगे अपना आए गेंद की क्रीज से बाहर निकले और बल्ले का किनारा लिया गेंद फाइनल पॉइंट की तरफ आती हुई फील्डर गेंद के पीछे सिर्फ एक रन लिया मुतमईन थी अपनी बल्लेबाजी से। इस तरह ओवर मुकम्मल हो चुका है 11वां स्कोर है 95 क्योंकि वो मरहला शुरू हो चुका है डू एंड डाई वाला। मैच जीतना है तो 10 रन फी ओवर के हिसाब से बनाने होंगे कम से कम 10 रन तो जरूर बनाने पड़ेंगे इनको फी ओवर। बड़ा अच्छा मंजर हमारे कैमरामैन कामरान का ऐसे मौकों पर विकेट की जरूरत होती है क्योंकि हमारे दर्शक चाहते हैं मैच बड़ा दिलचस्प बन चुका है। मेडिकेम के बॉलरों को थोड़ी मेहनत और थोड़ी जुस्तजु करनी पड़ेगी। मरहला शुरू हो चुका है सनसनीखेज दामाद कामरान भाई अपने कैमरे में महफूज करते हुए। बहुत अच्छे शॉट खेलने पड़ेंगे और पांच छह मैच अभी भी बराबर मंजिल दूर है। आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट के ताकुब में है नदीम जावेद। बड़ी अच्छी और समझदारी से बारी ली है 61 रन में बैटिंग कर रहे हैं
और फुल टॉप बॉल डेंजर था ये, और इशारा है अंपायर का, नो बॉल। बहुत अच्छा शॉट खेलना पड़ेगा हमारे दर्शकों की तस्कीन के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस बॉल के ऊपर, क्योंकि फ्री हिट है, आउट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी तैयारी में है नदीम जावेद, लाभ उठाने के लिए आए गेंद की, इस मरतबा वाइड बॉल, बैट्समैन का है फिर देखकर वाइड बॉल कर दिया है और गेंदबाज है। गेंदबाज है मोहम्मद उस्मान और बैट्समैन है नदीम जावेद। उस्मान आए गेंद की और बल्ले का किनारा लिया है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और देखना पड़ेगा सामने की लाइटें मेरे ख्याल में इनकी आंख में आ गई, वरना अब्दुल्ला फजल बहुत ही जबरदस्त फील्डर है। चांस मिला है नदीम जावेद को, दो रन और बने हैं और 99 का आंकड़ा, ये बदकिस्मतों का आंकड़ा है 99 का आंकड़ा, आसानी से अबूर करना पड़ेगा ये पुल। उस्मान आए गेंद की और दिफाई अंदाजे खेल दिया है, बड़ी समझदारी दिखाई नदीम ने। इस तरह 100 रन मुकम्मल हो चुके हैं कराची स्टॉलियंस के दो खिलाड़ी के निशान पर, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर, माजरत के साथ नाज़रीन गलती हो जाती है, इंसान आखिर हम भी। मोहम्मद उस्मान जायजा ले रहे अपनी फील्डिंग का, तमाम ही फील्डर बाउंड्री लाइन पे लाइन के ऊपर खड़े कर दिए हैं खान शाह के लिए, और इस पर था भी गलत बॉल, कमजोर गेंदबाजी और वाइड बॉल का इशारा आया। मैच अभी भी बराबर, कोई भी कभी भी जीत सकता है। अब स्कोर चाहिए 91 रन में जीतने के लिए। उस्मान तेजी के साथ जा रहे गेंद की और अच्छा शॉट आया, ये सिंगल बनेगा। दोनों टीमें बराबर है मैच में, दोनों टीमें, छोटी सी गलती बड़े तूफान का पेश खेमा हो सकती है, दोनों टीमों के ऊपर गलती की गुंजाइश नहीं। बड़ा धमाका, छह शॉट, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और मिस फील्डिंग के नतीजे में दो रन मुकम्मल कर लिए। गलती की गुंजाइश को ना बाबा, गलती करेंगे तो नुकसान होगा। उस्मान और उनके सामने जो बल्लेबाज है वो नदीम जावेद है, याद रहे, हर बॉलर को याद रखना पड़ेगा कि नदीम जावेद है। आए गेंद की और जबरदस्त तूफानी शॉट, क्या क्लास, छह रन, रॉकेट शॉट खेला इन्होंने, वो भी एक्स्ट्रा कवर की जाने, बड़ा खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, तूफानी शॉट था ये, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, गेंद टप्पा खाया और छक्का बाहर गिरा, अभी भी बॉल बाहर है,
बड़े तूफानी शॉट देखने को मिल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बम्बारमेंट। घमसान का जोर पड़ चुका है, बहुत ही बढ़िया लड़ाई दोनों टीमों की ओर से। नदीम जावेद दीवार बने हुए, उस्मान आए गेंद की और लेकर सबसे बाहर, कमजोर गेंदबाजी, चार रन के लिए फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर। कमजोर बाजुओं में दम नहीं होता, बहुत ही महंगा ओवर स्टोलियंस के हक में आता हुआ। ये वाइड बॉल कर दिया, देखिए कोई जरूरत नहीं है गैर जरूरी बॉल करने की, जोर क्यों मारते हैं बॉलर्स, जब सीधा बॉल जा रहा था जरूरत क्या है एक्स्ट्रा जोर लगाने की। अभी तो 20 रन दे चुके हैं ये, अभी भी एक बॉल बाकी है, काफी अच्छा ओवर आ रहा है स्टॉलिंग से हक में। और आवाज सुनी होगी हमारे दर्शकों के, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर शॉट, एक रन का इजाफा हुआ। इस तरह काफी अच्छा आया स्टॉलियंस के हक में ये ओवर, और नुकसान हुआ है मेडिकेम के फील्डर्स का, 21 रन दिए ओवर में इन्होंने, और जबरदस्त कम बैक अपने टारगेट के ताकुब में 116 रन बना चुके दो खिलाड़ी के नुकसान पर कराची स्टॉलियंस के बैट्समैन। मजबूत आईनी हाथों से बल्लेबाजी करते हुए नदीम जावेद, फॉर्मूला पिछले 30 साल जाने थे विकेट कीपर के पास, जोएब खान फील्डिंग का जायजा ले रहे, थोड़ी तब्दीली चाहते हैं ये, क्योंकि बल्लेबाज बहुत ही मजबूत है नदीम जावेद। जोएब आए गेंद की और इस मरतबा विकेट कीपर के पास जाने दिया, बड़ी समझ बूझ के खेल रहे हैं नदीम जावेद, सारी जिम्मेदारी अपने कांधों पे ले चुके हैं ये। जोबाई गेंद की इस बार वॉकर करने की कोशिश, लेकिन करीब फील्डर बाउंड्री देखने का इजाफा होगा। अच्छा ओवर जारी है मेडिकेम के हक में, जोर गेंद करवा रहे हैं, तीन बॉल में अब तक सिर्फ एक रन दिया है जो अच्छी गेंदबाजी की निशानी है। हंशा फेस करेंगे जोएब को और हंशा का ये शॉट, फील्डर मौजूद है वहां पर, और इस तरह वहां सामने की दिशा में फील्डर के तहत कैच लेके आउट करवा दिया, क्योंकि यहां से दूर है थोड़ा सा अंधेरा है, फील्डर पहचान में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आउट हो चुके हैं ये। तात फील्डर और बहुत ही अच्छा कैच लिया, इस तरह काफी देर के बाद विकेट मिली है मेडिकेम को हांशा की सूरत में। असल बैट्समैन तो किस पर मौजूद नदीम जावेद, 50 बॉलों का सामना किया है
74 रन बनाने के बाद क्रीज पर मौजूद। बहुत ही शानदार मुकाबला जारी है। 12.4 बॉले हो चुकी है, स्कोर 117 रन, 3 खिलाड़ी आउट। मैडी कैम को जवाबी मार मिल रहा है नदीम जावेद इलेवन की तरफ से। अब नए बल्लेबाज आए बैटिंग के लिए, फरीद आगा। सब पे बोलते हैं ये धावा, देखते हैं किस तरह धावा बोलते हैं ये। एक अच्छी पार्टनरशिप के अख्ताम पजीर हुई। अब नदीम जावेद का साथ देने के लिए आए फरीद आगा, इससे मरतबा भी अच्छी बॉल, बड़ा जबरदस्त ओवर इख्ताम पजीर होने जा रहा है। मेडिकेम के हक में आता हुआ, सिर्फ 2 रन आए इस ओवर में और एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, इसका मतलब है अच्छा ओवर। फरीद आगा फेस करेंगे अब और इस मरतबा खेलने की कोशिश की तेज बॉल था ये। एक और बहुत ही शानदार ओवर, बहुत ही बढ़िया ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। एड की तरफ चलेंगे हम। ओवर शुरू होने जा रहा है 13वां। चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी के लिए आए हैं शोएब खान। देखते क्या किरदार अदा करते हैं। लेकिन इस मतलब आगे बड़े कट कर दिया, बहुत ही शानदार बॉलिंग। हो बाजू में दम तो काई का गम है नदीम जावेद को। ओसामा आए हैं गेंदबाजी के लिए, आए ओसामा गेंद की और इस पर खेलने में कामयाब है। 2 फील्डर के गेंद में बीत जा रही है बॉल और जबरदस्त थ्रो, लेकिन उससे पहले दूसरा रन मुकम्मल कर लिया नदीम जावेद ने, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज सूरत हाल, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। कोई भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक टीम हारेगी दूसरी जीतेगी जरूर। वो कौन सी टीम है वो आखिरी लम्हा में पता चलेगा इंशाल्लाह। बहुत ही बढ़िया मुकाबला जारी है। हमारे दर्शक इतनी रात में भी इस दिलचस्प मुकाबले से लुत्फ अंदोज होते हुए। ओसामा है गेंद की और ये घमसान का जोड़ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद केरल के लिए बहुत ही बड़ा छक्का।
जैसे मैंने बताया वो पसंद दर्शकों को, वही शॉट खेला है बॉस ने, उम्मीदें लगाए बैठे हमारे दर्शक नदीम जाली से और भरपूर फायदा उठाते हुए कमजोर गेंदबाजी का कुवत वाले शॉट खेलते हुए उसामाए गेंद की और बहुत ही बढ़िया शॉट गेंद बॉडी लाइन की तरफ पॉइंट कवर बाउंड्री के बाद चार रन महंगा ओवर साबित होता हुआ। कमजोर गेंदबाजी का खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, जैसे बल्लेबाज हो नदीम जावी तो हाथ तो कांपते ही बॉलरों के। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, छह और चौके और ये शॉट, कोशिश की गेंद को पकड़ने की लेकिन हाथ के लगते गेंद बॉडी लाइन के बाहर गिरा। खेल बॉस तो बॉस होता है, साबित किया है अपने बल्ले से नदीम जावेद ने। बड़ी खूबसूरत बारी, सुंदर बारी और तमाम जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते हुए तीन बॉलों में दो छक्के एक चौका, चाहे ही कहना बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। उस्मान आए गेंद की और इस मरतबा भी चढ़ दिया लेकिन फील्डर मौजूद हुआ, इस मरतबा सेकंड अटेम्प्ट में गेंद करने में कामयाब हो गए और बहुत बड़ा विकेट लेने में कामयाब। मां तो खाई लेकिन बड़ी समझदारी से आउट भी करवा दिया नदीम जावेद को, बड़ा नुकसान हुआ है कराची स्टॉलियंस को नदीम जावेद की सूरत में। नदीम जावेद का हम स्कोर बताते चले, 93 रन किए इन्होंने, 56 गेंदों का सामना किया और 93 रन बनाए, यानी आधे रन तो इन्होंने अकेले ने बना दिए। बहुत ही बढ़िया बारी लेते हुए और इस तरह ये कैच आउट हो गए। जितनी तारीफ की जाए कम है, नदीम जावेद की 136 पे स्कोर पहुंचा दिया है, अब तो बना लेने चाहिए आने वाले बल्लेबाजों को स्कोर। बड़ा दिलचस्प मरला, सनसनीखेज दमाद शुरू हो चुके हैं मैच के, पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है मैच। अब नए बल्लेबाज आए फहद जब्बार, ये बॉलर भी है और जब्बार भी है, बहुत ही अच्छे बॉलर बैट्समैन। फहद जब्बार आए खबारा करने के लिए बॉलरों का, अब फहद जब्बार क्या किरदार अदा करता है टीम के लिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन करने आए कबाड़। और सिंगल आएगा यार, पंद्रहवें ओवर की गेंदबाजी शुरू हो चुकी है और बॉलर रोए फील्डिंग का ज्यादा ले, थोड़ी सी तब्दीली चाहते गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाजी की जरूरत है, मौका अच्छा है, कम बैक कर लिया बल्लेबाजों ने और थोड़ा छोड़ा है शॉट एक रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम नया नाजमाबाद, जोर एक मरता फिर आए गेंद की
कर दिया क्या गदर बॉल की तरफ आ रही है तेजी के साथ गेंद के पीछे फील्डर लेकिन बॉल को रोकने में नाकाम रहे गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। एक और जबरदस्त चौका जैसे भी है रन आने हैं रन बनाने हैं बहुत ही बढ़िया शॉट था बैट्समैन फाजे पर और इस मरतबा हल्की सी तिल हुई मौका नहीं तो स्कोर बनाने का स्कोर पहुंचा 142 रन चार खिलाड़ी आउट 15वें ओवर का खेल जारी जोर बॉलर और बल्लेबाज उनके सामने फाज जब्बार बहुत ही बढ़िया घमसान की जंग हो रही है और कट कर दिया इसमें थर्ड मैन बॉल की तरफ खेल जा रही है फील्डर वहां मौजूद एक रन बना दूसरे रन के लिए दौड़ पर दो रन मुकम्मल कर लिए बढ़िया थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मुकाबला जारी है नया नाजमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मास्टर लीग का ये 16वां मैच मेडिकम वर्सेस कराची स्टालियंस वो क्या बात है दोनों टीमों की ऐसे होते मैचेस जब आए गेंद की और थोड़ा मिड ऑन की दिशा में शॉट खेल दिया सिंगल के लिए इख्तिताम पसीर हुआ 15वां ओवर स्कोर 145 चार खिलाड़ी आउट अब चलेंगे ऐड की तरफ theorchidschools.com देखो अली मेरी फैमिली में सबके अलग मसले और अनोखे मिजाज हैं जैसे मेरे मम्मी पापा चाय ठंडी और जूस गर्म पीते हैं चाचा चाची वैसे तो बड़े खुश मिजाज हैं बट बात सिर्फ एक दूसरे से ही करते हैं भाई वैसे तो मजबूत फर्स्ट अंदर से कमजोर संभाल लेना बाकी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं दांतों के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिकम डेंटल क्रीम जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों के 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत मेडिकम डेंटल क्रीम हर रिश्ता मुस्कुराए इंट्रोड्यूसिंग इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे विद इंटरनेशनल परफ्यूम इंटेंस फ्रेग्रेंस 24 आवर लास्टिंग इग्नाइट द पैशन फील द अट्रैक्शन It's all about me. अब दिफाइंदा से खेला एक रन मिलेगा फाज जब्बार से बैट्समैन 16वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है मैच बड़ा दिलचस्प सूरत यार इख्तियार कर चुका है कभी भी एक भी गलती नुकसान भी हो सकती दोनों टीमों के लिए और ऊंचा शॉट खेल दिया है वहां और गेंद दर्शकों के बीच में जाके गिरी है 6 रन के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट क्या खूब शॉट खेला है बड़ा खूबसूरत सुंदर बल्लेबाजी बढ़िया बल्लेबाजी और अफनान को शॉट पड़ा देख सकते हमारे नाज़रीन अफनान आए गेंद की इस मरतबा जोरदार हिट लगाने की कोशिश की गेंद विकेट कीपर के ग्रिप में गई लेकिन 6 रन तो बना लिए इन्होंने 2 बॉलों पे जब अपना ने बॉलर उनके सामने बैट्समैन है फरीद आगा बड़ा अच्छा शॉट इसने फाइन लेग पे ग्रास कर दिया गेंद को पत्ते ही जमीन के साथ धरती लाने 4 रन के लिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है सोच विचार करना पड़ेगा गेंदबाजों को
बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मुकाबला, ये होती है क्रिकेट। कभी अपोजिशन में तो कभी पोजिशन में। अब अभी अपोजिशन में है फील्डर्स, लेकिन पोजिशन में आ चुके हैं ये, और कट कर दिया आराम से, बड़ा खूबसूरत शॉट फरीदाबाद का एक रन के लिए। स्कोर की गुत्थी आगे बढ़ती है 157 रन, चार खिलाड़ी आउट। अफनान को ऐसे मौके पे विकेट लेने की जरूरत है, लेकिन बल्लेबाज जो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बड़ी घमसान की जंग दोनों टीमें बराबर की, बड़ी जबरदस्त सूरत-ए-हाल, कभी भी कुछ हो सकता है। सनसरी खिलाफ अफनान है गेंद की, और एक अच्छी फील्डिंग, लेकिन खतरनाक अंदाज में रन लेने की कोशिश, मुकम्मल कर लिया रन, सिंगल आ चुका है ये। इस तरह ओवर मुकम्मल हुए 16, स्कोर 158, चार खिलाड़ी आउट। ये है अब तक कई सूरत है कराची स्टोलियंस की, 16 ओवर के खाते पर। एड की तरफ चलेंगे हम। चार रन, क्या शॉट खेला है, ऑफ स्टंप पे आए और सिर्फ बैट दिखाए, 6 रन, 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, आधी रात में हमारे दर्शक कभी सोए इसलिए नहीं, वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। नया नाजर हुआ क्रिकेट स्टेडियम में, पूरा कराची जाग चुका है। इस मरतबा शॉट बहुत तेजी के साथ मुकम्मल किया, 2-6 रन के लिए दौड़ पड़े, और 2 रन, गलती पे गलती, नुकसान का 22 हो सकता है। ये कमजोर गेंदबाजी और कमजोर फील्डिंग की वजह से फायदा उठा सकते बल्लेबाज, लेकिन अभी भी मैच में 164 रन, चार खिलाड़ी आउट। बहुत ही पूरा कराची जागा हुआ है, इस दिलचस्प मुकाबले से लुत्फंदोज होते हैं हमारे दर्शक। और अच्छा शॉट, इस पर तो अभी गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाके गिरी है, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा हमें। क्या शॉट खेला है, कवर बाउंड्री की ओर, और 6 रन, फजा में बुलंद हुए हाथ, गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है गेंदबाजों के लिए। क्या सफर था शॉट, कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, खूबसूरत शॉट। आए गेंद की, इस मरतबे अच्छा शॉट, वापिस मौजूद, सीधा स्टंप्स के ऊपर छोड़ो, मगर रन मुकम्मल हो चुका, 171 रन, चार खिलाड़ी आउट। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, दिलचस्प सूरत यार, और सनसनीखेज लम्हात, मजबूत हाथों से मजबूत बॉलिंग की जरूरत, और क्या खूबसूरत शॉट, दिफा अंदाज तैयार किया, मौका गनीमत समझा, रन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्कोर आ चुका है 70वें ओवर का खेल जारी है, सिर्फ एक बार बाकी है। आए गेंदबाज और इस बार फ्लिक कर दिया है, लेकिन वो फील्डर मौजूद, इससे पहले के थ्रू होता, रन मुकम्मल हो चुका था। एक कॉमन सेंस की बात है, इस तरह के रन तो मेडिकम ने स्टार्ट के ओवर में लिए थे, लेकिन शुरू हो चुके हैं दूसरी पारी के बल्लेबाज, सिंगल लेना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि अब गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। बड़ा धमाल का जोर पड़ा हुआ है दोनों टीमों के दरमियान, बड़े खूबसूरत और सनसनीखेज लम्हात, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। मेडिकम वैसे कराची स्टोलियंस मास्टर लीग का ये 16वां मैच, अब आए हैं बिलाल बॉल के लिए। हमारे सामने फिल्टर है अब्दुल्ला फजल, मुस्तकबिल के सुपरस्टार हैं ये,
जिन्होंने आज बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की। 48 रन बनाने के बाद आउट हुए थे अब्दुल्ला फजल, हमारे बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। और मेडिकैम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एहसास की बात है मेडिकैम की नुमाइंदगी करना। बिलाल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, और उनके सामने जो बैट्समैन है वो हमें देख रहे फरीद आगा है, आए गेंद की और पैर से बॉल लगा बिलाल का, करीब ही मामला हो सकता था मगर एक रन बना लिया है। गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया मुकाबला दोनों टीमें हम बल्ला, कोई अच्छी गलती करने की जरूरत नहीं दोनों टीमों को, जिसने गलती की नुकसान उठाएगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिलाल ने दौड़ना शुरू कर दिया गेंद की और शॉट बॉल का ये जाने दिया विकेट कीपर के पास, ये होती है समझदारी, ऐसे होती है क्रिकेट। बड़ा जबरदस्त मुकाबला जारी है, नया नाजमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मास्टर लीग का 16वां मैच, हमारे दर्शक कभी भी जाग रहे हैं, पूरी दिलचस्पी मैच में हमारे दर्शकों की। फिलहाल आई गेंद की और तुम्हारा खेलने की कोशिश, लेकिन सबसे बाहर दी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं फिलहाल के लिए। एक एक रन कीमती, एक एक लम्हा दिलचस्प, बहुत ही बढ़िया घमसान की जंग हो रही है लेकिन क्रिकेट के मैदान में। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला जारी है बॉलर बैट्समैन के दरमियान, बिलाल ने दौड़ा शुरू कर दिया, एक मिनट बाद फिर आए गेंद की, इस बार दौड़ी गेंद लेके सबसे बाहर, वाइड बॉल, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है गलती की, खमियाजा भुगतना पड़ेगा वाइड बॉलों का। कमजोर गेंदबाजी की तो जरूरत नहीं है ऐसे मौके पे, बल्कि विकेट निकालना पड़ेगा क्योंकि पार्टनरशिप आगे लगती हुई बढ़ चुकी है आगे। एक एक रन कीमती है, बिलाल एक मरतबा फिर तेजी के साथ जा रहे हैं, गेंद की और इस कट कर दिया गया, थर्ड रन की तरफ जा रही है, ऑफ मौजूद है, एक रन बना और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दो रन मुकम्मल कर लिए इससे पहले के थ्रो आता विकेट कीपर के पास। बहुत ही शानदार दौड़ने काबली मुजारा दिखाया हमारे दर्शकों को, बिलाल को समझदारी से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी इनकी बल्लेबाजों को, नहीं तो खसारे में जाएंगे। मैच में अभी भी है 177 रन, चार खिलाड़ी आउट, बिलाल एक मरतबा तेजी के साथ जा रहे आए गेंद की और इस मरतबा भी लेके समझे बाहर, स्रोन वन बॉल था, खराब गेंदबाजी का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, जरूरत ही नहीं है बैट से खेलने की, खुद ही रन दे रहे हैं बिलाल, ऐसा तो कभी भी देखने में नहीं आया बिलाल की तरह से, लेकिन आज समझ से बाहर है, अपनी गर्दन को झटकते हुए माइल के अंदाज में, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझदारी से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। फरीदागा को गेंद करेगी आई गेंद की और शॉट खेला मिटोन की दिशा में, तेजी के साथ जा रहे अब्दुल्ला फजल गेंद के पीछे और मिस फील्डिंग का भी, जिसके नतीजे में 2-4 रन मुकम्मल कर लिया। बहुत ही बढ़िया दौड़ने का अमली मुजारा देखने को मिल रहा है हमारे दर्शकों को कराची स्टॉलियंस की तरफ से, पहले नदीम जावेद थे अब दोनों ही बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए 180 रन पे पहुंचा दिया स्कोर, मंजिल के बिल्कुल करीब, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। बिलाल आए गेंद की और बहुत ही आराम से खेल दिया एक रन के लिए, ये होती है क्रिकेट, मौका बिल्कुल नहीं दे रहे गेंदबाजों को कोई कोई गलती करे, बहुत ही बड़ा मुकाबला, दिलचस्प सूरत हाल, रात के 2 बज रहे हैं लेकिन हमारे दर्शक बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रहे,
बड़ा मजा ले रहे हैं इस मैच का, बहुत ही घमसान का मुकाबला। बिलाल ने एक बार फिर आयन के सामने बैट और इस बार कट कर दिया इसमें, थर्ड मैन बॉडी की तरफ जा रही है लेकिन वहां फील्डर मौजूद, थोड़ा तो इससे पहले एक रन मुकम्मल कर लिया। एक एक रन कीमती हमारे दर्शकों को बड़ा लुत्फ आ रहा है इसके मैच से। ऐसा मुकाबला कम देखने को मिलता है जिसका पूरा फायदा उठा रहे हैं हमारे नाजरीन। देखना पड़ेगा बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, कभी बैट्समैन के हक में ज्यादा कभी बॉलर के हक में, लेकिन मैच बराबर है भी कुछ नहीं कह सकते। 10 रन दरकारी मैच जीतने के लिए कराची स्टॉलियंस को, जबकि उनके पास है 12 बॉल है 10 रन। मैच में वापस आना पड़ेगा, जिद्दोजहद की जरूरत है गेंदबाजों को, नहीं तो मैच जा रहा है खसारे में। क्या खूब मुकाबला, क्या जबरदस्त सूरत हाल, बहुत ही कम में जैसे देखने को मिलते हैं जो आखिरी ओवर तक जाते हैं। बहुत ही भरमार जबरदस्त सूरत हाल, बारह बॉल 10 रन। क्या खूब मुकाबला, ऐसे वक्त में रन्स की जरूरत होती है और रन्स बनते हैं लेकिन विकेट भी लेनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में बॉलर आए हैं, कौन है असद है। बड़ा तेज दौड़ना शुरू कर दिया बॉलर ने, आए गेंद की और बड़े दिफेंडर ने खेल दिया, वह फील्डर ने अपनी गेंद को खुद ही फील्ड कर लिया। ये अब मोटिवेट करते हुए फील्डर अपने अपने फील्डरों को, एक दूसरे का साथ देते हुए, कभी भी कुछ हो सकता है। एक गलती बड़े तूफान का पेशेवा, गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बल्लेबाजों के पास और फील्डर के पास, थोड़ी तब्दीली चाहते हैं। साइड स्क्रीन साइड पे थोड़ी सामने लेकर आ गए क्योंकि रात के इस पहर में स्क्रीन का सीधा होना बड़ा जरूरी है। घमसान के जोर पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं दोनों टीमों के लिए। बॉलर आए गेंद की और अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब, एक रन बना और दूसरे रन के लिए दौड़ बने, 2 रन मुकम्मल कर लिए। बहुत ही बढ़िया दौड़े हैं, तालमेल के साथ समझदारी के साथ और साझेदारी पहुंच चुकी कम से कम 40 रन की। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, अब 10 पौने 8 रन, कांटेदार मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान। कोई भी टीम हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। बॉलर आए गेंद की और इस मुकाबले का किनारा लिया, वहां करीब में मौजूद फील्डर, लेकिन इस सिंगल जरूर आएगा। मेडिकम के फील्डर बैट्समैन स्टार्ट में बड़ी अच्छी स्कोर बोर्ड चला रहे थे सिंगल डबल, लेकिन स्टॉलियंस के बैट्समैन आखिरी लम्हे में सिंगल डबल बिल्कुल भी जाया करने के मूड में नहीं है। मैं पे ग्रिप बनाते हुए मजबूत, लेकिन अभी भी मैच में है, अभी भी क्रिकेट में मौजूद है मेडिकम की टीम। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया है गेंद की और इस बार यॉर्कर बोलता है और विकेट में आगे जाके खेलने की कोशिश, बोल यॉर्कर और विकेट में जाकर इस तरह बोल हो चुके हैं और बैट्समैन भी बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। फहद जब्बार आउट हो चुके यॉर्कर खेलने की कोशिश में, लेकिन बहुत ही अच्छी बारी ली, मंजिल के बिल्कुल करीब हो चुके हैं। अभी भी आखिरी लम्हात में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैच बिल्कुल बराबर है। 19वें ओवर का खेल जारी, 4 बॉलें हो चुकी है, रन 185,
सात रन की दूरी पर अपनी कामयाबी से कराची स्टॉलियंस के बैट्समैन जबके अभी भी 6 विकेट बाकी है इनकी। नदीम जावेद की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है, अगर मैच कराची स्टॉलियंस जीत जाता है तो नदीम जावेद की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छी बारी ली इन्होंने, ऐसे होते हैं टीम के वफादार, टीम के लिए खेलना, अपनी सेंचुरी की बिल्कुल परवाह नहीं की, लेकिन टीम कामयाबी के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। मेडिकेम के बॉलर जो कि हार मानने के बिल्कुल तैयार नहीं है। असद 37 रन के दो खिलाड़ी ले चुके हैं, बिल्कुल तैयार है, तेजी के साथ आ रहे गेंद की और खेलने के सामने आ चुके हैं, मगर अंपायर खामोश, एक रन का इजाफा होगा स्कोर में, एक एक रन कीमती है दोनों टीमों के लिए। असत्य बॉलर अपील की जो ना पास, लेकिन अंपायर ने कहा ये आउट बिल्कुल भी नहीं है। फेस कौन करेगा? फरीद आगा को गेंदबाजी करेंगे, आए गेंद की और जोर कर करने की कोशिश की, विडो की दिशा में शॉट के लिए, एक रन बना, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दो रन मुकम्मल कर लेंगे। क्या दौड़े हैं जबरदस्त, अपनी टीम के लिए दौड़ने का मजा ही कुछ और है। इस तरह ओवर मुकम्मल हो चुका है, 19वां स्कोर 188, अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। छह बॉल चार रन, घमसान का जोर पड़ा हुआ है, बड़ा खूबसूरत मैच, बहुत ही सनसनीखेज जमात, अभी भी कुछ नहीं कह सकते हम, कभी भी कुछ हो सकता है। चार आखिरी ओवर, कप्तान फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं, कोई गलती तो नहीं हो रही, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश फील्डरों की तरफ से, क्योंकि लमाते आखिरी, बहुत ही जबरदस्त मैच हो रहा है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला, दोनों टीमें मुबारकबाद की मुझ सही है, बराबर की टीम है, क्रिकेट में तो हार जीत होती रहती, लेकिन मैच बड़ा अच्छा हो रहा है, क्या बात है, क्या कहना है दोनों टीमों के बल्लेबाजों और फील्डरों का। भरोसा किया है कप्तान ने उसामा के ऊपर, देखते हो उसामा कितना भरोसे को पूरा उतरते हैं, ये तो वक्त बताएगा। सिर्फ 6 बॉल 4 रन, बहुत ही डिफाई फील्डिंग, बांध के रखा हुआ बल्लेबाज को और बल्ला दिखाया ऑन साइड पे, एक रन जरूर आएगा, ये एक एक रन कीमती, एक एक लम्हा फील्डरों के लिए, मौका नहीं जान मारनी पड़ेगी, कप्तान के भरोसे से उतरना, पूरा उतरना पड़ेगा गेंदबाज को, नहीं तो मैच खसारे में। लेकिन बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, दोनों टीमों की जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही बढ़िया मुकाबला, बहुत ही शानदार क्रिकेट। आए गेंदबाज गेंद की और इस मतलब मिड ऑन की दिशा में, बहुत ही शानदार फील्डिंग, लेकिन सिक्कल जरूर आएगा, दोनों टीमों बराबर की है, दोनों टीमों को मुबारकबाद देते हैं हम, बहुत ही जबरदस्त जान मारी की दोनों टीमों ने, क्रिकेट हो तो ऐसी हो, हमारे दर्शकों को भी मजा आए, हमारे नाज़रीन बड़े खुश हैं आज के मैच से, क्या बात है।
चला मैच और जर्बिया शॉट मिडो बाउंड्री के ऊपर फील्डर मौजूद सीधी भी एक रन मिलेगा लेकिन ये रन भी इस लेवल में बड़ा कीमती है। ये है मेडिकेम के कोच जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं मैच देख रहे अपनी टीम का। बिल्कुल क्लोज फील्डिंग सर्कल के अंदर सिर्फ दो फील्डर बार बहुत ही बढ़िया मुकाबला आए गेंद की और खेलने की कुछ भी नहीं गया विकेट कीपर के पास बहुत ही बड़े कोर बॉल मिस करवाया है बल्लेबाज को घमसान की जंग बराबर है मुकाबला सिर्फ एक रन की दूरी पर कामयाबी से और दो बॉल एक रन खामोशी छाई हुई है पी ग्राउंड के अंदर लेकिन दर्शक बड़े खुश है दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं और ये शॉट खेलने में कामयाब हुए और कामयाबी मिली है कराची स्टॉलियंस को। मास्टर लीग का एक और मैच इख्तिताम पजीर हुआ कराची स्टॉलियंस की टीम के साथ लेकिन मुकाबला बड़ा जबरदस्त किया है मेडिकेम ने नौजवान खिलाड़ियों पर यह टीम मुश्तमिल थी आखिरी बॉल का मुकाबला किया कामयाबी तो मुकद्दर होती है कभी हार तो कभी जीत लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक है दोनों टीमों के लिए तालियां बज रही है हमारे नाज़रीन और दर्शकों की तरफ से। इसके साथ ही हमें नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम से हमने साथी कैमरामैन कामरान के साथ स्कोर नदीम नुसरत और आपका खादिम मोहम्मद हसन बावरा को इजाजत दीजिए तब तक के लिए अल्लाह आपका निगेबान पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आखिर नमाज सुन सकता हूँ दो तीन चार बोले वो उस पर सुन सकता है इस पर खत्म हो गया ना।